गुड मॉर्निंग एक बार बता देंगे सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार सब लोग बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया आज हम लोग दो यूनिट का भी रिवीजन करेंगे फिर बीच में एक ब्रेक देंगे फिर हम लोग तीसरा चौथा का रिवीजन करेंगे और फिर लास्ट में शाम में एक रिवीजन और करेंगे चलिए बहुत ही बढ़िया है वॉल्यूम बढ़ाइए। देख लो चेक करो साउंड क्लियर है कि नहीं इस बार चेक कीजिएगा साउंड क्लियर हो रहा है कि नहीं एक बार चेक करेंगे साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं जल्दी से एक बार देख के बता देंगे साउंड आ रहा है कि नहीं क्लियर अंत भला तो सब भला है ना लास्ट एग्जाम है बहादुर लोग बहुत मेहनत करके अच्छे से एग्जाम दे देना है सर कितना टॉपिक पढ़ेंगे तो पेपर निकल जाएगा अरे पेपर तो तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा तुम लोग पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे हो आधा कुछ तो तुम बी में ऑलरेडी पढ़े हुए है ना थर्मल से रिलेटेड आईसी इंजन से रिलेटेड ऑटो साइकिल डीजल साइकिल ऑलरेडी तुम लोग बी में पढ़े हो और धर के पूरा रिविजन किया हुआ है तो पता नहीं तुम लोग डर क्यों रहे हो ये पेपर तो ऐसे चुटकी में निकल जाएगा है ना सर फोर्थ सेमेस्टर का क्लास कब से आएगा पहले थर्ड का एग्जाम दे दीजिए आराम से दो तीन दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करना है पढ़ाई लिखाई का बात भी नहीं करना है उसके बाद फिर आपका क्लासेस आएगा कोशिश करेंगे जल्दी ही लॉन्च कर दे क्योंकि आप लोग का एग्जाम का डेट दे दिया है नी सेमेस्टर का है ना सर का क्लास कब चलेगा थ्री का क्लास थ्री वाले टीचर बताएंगे ऐप में वो डायरेक्ट लेंगे ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं देखिए ध्यान से सुनेंगे हम लोग गेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को दे दिए हैं और लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे बस पूरा कोशिश कीजिए उसको कवर करने का जैसे यूनिट वन है यूनिट वन से टोटल आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूनिट वन से फोर्टीन मार्क्स का आएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट नंबर टू से आएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट नंबर टू से आएगा ठीक है सबसे आसान यूनिट यूनिट नंबर फोर है ये दिमाग में बैठा लीजिए चार को पांच को फॉर्मूला पढ़ना एकदम रगड़ के करा देंगे सब लाइव क्लासेस में बहुत तगड़ा पढ़ा दिए हैं कब से सर एग्जाम है तुम लोगों को तो जून का डेट दे दिया है ना जून से स्टार्ट है कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चलिएगा अब ध्यान से सुनेंगे सबसे पहला है यूनिट नंबर में इसमें आज हम लोग सब्जेक्टिव डिस्कस डिस्कस कर लेंगे, साथ डिस्कस कर लेंगे लेंगे साथ साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव को भी राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस ये इंपॉर्टेंट है ये फोर मार्क्स में आ सकता है नहीं तो इस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस उसके बाद

एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है जिसमें फोटो वोल्टेल के मदद से हम लोग यूज करते हैं फिर विद्प ऑफ प्लेट कलेक्टर और कंसनट्रेटेड कलेक्टर के मदद से हम लोग क्या यूज कर सकते कैसे पानी को गर्म कर सकते हैं या और उसका क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं सर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिएगा बाबा द रोस्टर थोड़ी देर में दे देंगे ठीक है बाकी बात जितना उसमें डाला हुआ है बस उतना पढ़ लीजिए गुरु जी आपका व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजे हैं ठीक है समझा देंगे चलिए एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर हीटर एंड फोटो वोल्टेज सेल सोलर हीटर कैसे काम करता है ये पिछले साल का भी क्वेश्चन था ये पिछले तो बहुत कम चांस है कि दोबारा पूछेगा फिर भी देख लीजिएगा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फीजन एंड फीजन रिएक्शन ये सारा कुछ आपको बता दिया फटाफट -फड़ इसका रिविजन कराते हैं और इस पर बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव कराते हैं आगे बढ़ जाएं हम लो? हम लो जाए हम लोग हम लोग का क्लासेस जय मैकेनिकल के ऐप पर चल रहा है साथ ही साथ पुल ये जय मैकेनिकल के यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है जिसका भी डेटा का कोई प्रॉब्लम है वहां से शिफ्ट कर सकते हैं सर पावर प्लांट का फिगर भी बनाना होगा ये सोलर पावर प्लांट का फिगर भी बनाना होगा ठीक है आगे बढ़ जाए हम लोग चलिएगा तो सबसे और दूसरे यूनिट टू जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यहां से कम से कम बीस मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पहला क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन और ईसी इंजन 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 इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है दूसरा डिफाइन आईसी इंजन एंड राइट डाउन इट्स क्लासिफिकेशन आईसी इंजन क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन आप बताइए बहुत मन से पढ़ाया हूं तगड़ा पढ़ाया हूं राइट डाउन द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या तो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पूछेगा नहीं तो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन पूछेगा

फिर हम रात में आएंगे फिर हम फोर ये सॉरी थ्री और फोर करा देंगे तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा तो आसानी से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा बस रिवीजन क्लास बढ़िया से देख लो सब ऑलरेडी पढ़े हुए हो है ना यहाँ कुछ नया चीज तुम लोग पढ़ाएंगे नहीं जो पढ़े हुए बस उसको एक बार पॉलिश कर देना है तगड़ा एग्जाम दे दीजिए ऑब्जेक्टिव जो पिछले साल का आया हुआ है दो साल का वो सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ यूनिट वाइज करवा देंगे है ना कुछ नया क्वेश्चन उसमें जोड़ देंगे इनफ है उतना करके जाइए सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है अभी भी बहुत आपके पास समय है सब कुछ पढ़े हुए बस एक बार तो रिविजन करना है ना नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टाइम बल्ब डायग्राम ऑफ ए फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन उसके बाद ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल ऑटो साइकिल और कार्नोट साइकिल तीनों का पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ कीजिए डिराइव द एफिशिएंसी डिराइव द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल और न्यूमेरिकल ऑन कार्नोट साइकिल Derive the efficiency of auto cycle or numericals on एकदम हंड्रेड परसेंट कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा या तो कारनोट पूछ दे नहीं तो ऑटो पूछ दे नहीं तो डीजल पूछ दे तीनों का डेरिवेशन देख लीजिएगा तीनों का न्यूमरिकल देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है छ नंबर में गारंटी है आएगा मतलब आएगा ठीक है उसके बाद ड्रॉ द नेट स्केच ऑफ आईसी इंजन देयर फंक्शन है ना का का आईसी मतलब इंजन भी ये सारा कुछ एक फिगर बना दीजिए और कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है क्या उसका फंक्शन है ये आप लिख देंगे तो इतना क्वेश्चन यूनिट नंबर टू में जरूर आएगा ठीक है सर यूनिट थ्री पर ज़्यादा समझाइएगा ठीक है नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो यूनिट थ्री और यूनिट फोर का करेंगे सर डुल साइकिल आएगा सर डुल साइकिल तो बी में है ना अपने सिलेबस में डुल साइकिल नहीं है तो नहीं पूछेगा क्या को पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी बी एम में था वो सिलेबस के अंदर तो आप पढ़ चुके थे सर टाइमिंग बल्ब डायग्राम भी बता दीजिएगा बता देंगे चलिए सर दूसरे इंस्टीट्यूट के टीचर मिलने आते हैं सेंटर पर आप क्यों नहीं आते हैं अरे दूसरे टीचर को कुछ खाम ही नहीं है तो क्या ही करेगा बेचारा लोग है ना जैसे हम लोग का जो एग्जाम चलता है आप लोग का जो एग्जाम चल रहा है जिस दिन आप एग्जाम जा रहे हैं देने के लिए उसके दूसरे दिन मतलब उस दिन किसी दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम है तो हर एक टीचर हर एक पेपर नहीं पढ़ा रहा है ना तो उसके पास टाइम आराम से जा रहा है मिलने के लिए है ना देखो पर्चा टीचर अब ऐसा हो गया है ना कि उसको बच्चा को संतुष्ट करने के लिए सेंटर पर जाना पड़ता है तो क्या ही बोला जाए है ना टीचर का काम है आप पढ़ा दीजिए बच्चा आपको खुद ही इज्जत देगा जा की इज्जत थोड़े लिया जाता है चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो यूनिट टू तक आपको बता दिए हैं बहादुर अब आ जाइए सबसे पहला यूनिट वन का रिवीजन फटाफट कराते हैं और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव कराते हैं ठीक है थीके? इस पर ऑब्जेक्टिव कराते हैं राहुल राय सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं हम 200 परसेंट रिप्लाई देते हैं पर अभी चूंकि आपका पूरा तैयारी करा रहे तो आप हमको मैसेज करते भी रहिएगा तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं ना हम अगर मैसेज देखते ही रह जाएंगे तो फिर आपका कंटेंट आपका पीपीटी कैसे बनाएंगे तो अगर मान लीजिए नहीं रिप्लाई दे रहे ऐसा थोड़े होता है कि हम रिप्लाई नहीं दे रहे नाइन्टी चांस है कि हम सबका बारह बजे रात को भी देते हैं एक बजे रात को भी रिप्लाई देते हैं ना नहीं दिए तो फिर दोबारा मैसेज कर दो इतना थोड़े तुम इगोस्टिक आदमी है कि एक बार मैसेज कर दिए तो दोबारा नहीं कर सकते चलिए बुराई मेरा मत करो उन्हें तो पाप लगेगा सर कल हम लोग के सेंटर पर सिलेबस बांट रहे थे कोई टीचर सिविल वाले अरे बांटने दो ना ओहो बस टाइमिंग भल्ब छोड़ के सब क्लियर है सर ठीक है टाइमिंग भल्ब करवा देंगे यस वेरी गुड जो दिक्कत हो बताओ दूसरे कोचिंग दूसरे टीचर का मत बात करो तुम लोग इतना समझदार हो गया अरे थर्ड वाले बच्चे को अब समझाना है कि हम लोग क्या है दूसरा क्या है कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है आप लोग बढ़िया यस फोर्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल का गुरुजी सब सब्जेक्ट मिलेगा नहीं फोर्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल का सब सब्जेक्ट नहीं चलेगा बच्चा हम पहले बता दे रहे हैं हम बता देंगे अभी क्लास एग्जाम दीजिए ना एग्जाम के बाद फिर मिलेंगे ऐसा थोड़े की नहीं मिलना है है ना अंत भला तो सब भला सर यूनिट फाइव का आर पार्ट करवा दीजिएगा यूनिट फाइव आपके गौरव सर करवाएंगे तीन बजे से हम बोल दिए उनको फिर हम दूसरे यूनिट का तब तक तैयारी करेंगे तो सारा आपका कवर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाए तो यहां पर ध्यान देंगे बहादुर क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस एनर्जी सोर्सेस का हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं तो कहता है बहुत सारे चीजों के आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सबसे पहला है यूजेबिलिटी के आधार पर बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर नाम याद रहेगा तो लिखिएगा नहीं सब याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स कन्वेंशनल सोर्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स रिनिवल सोर्स नॉन रिन सोर्स कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ठीक है तो बेस्ड ऑन यूज ऐसे लिख दीजिएगा बेस्ड ऑन यूज यूज के आधार पर प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट नेचर से उसको निकालिए और यूज कीजिए ऐसे सोर्स को प्राइमरी सोर्स कहते हैं जमीन के अंदर गड्ढा खोदे वहां से कोयला निकाले और कोयला को डायरेक्ट यूज कर रहे तो ऐसा सोर्स प्राइमरी सोर्स डायरेक्ट जमीन के नीचे से गैस को निकाले और डायरेक्ट यूज कर रहे प्राइमरी सोर्स कच्चा तेल निकाले उसको प्यूरिफाइड किए और फिर यूज कर रहे प्राइमरी सोर्स मतलब यहां पर क्रूड ऑयल आपका प्राइमरी सोर्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ा तो ये सेकेंडरी सोर्स कोयला से हमको कोक बनाना पड़ा लकड़ी को जला के चारकोल बनाना पड़ा तो चारकोल क्या हो गया सेकेंडरी तो डायरेक्ट नेचर से यूज कर ले प्राइमरी और प्राइमरी को अगर हम किसी तरह से प्रोसेस करके नया चीज बना दे तो उसको कहेंगे सेकेंडरी सर सेम चार्ट बना देंगे तो हो जाएगा एकदम आराम से हो जाएगा आगे बढ़ जाए ठीक है दूसरा है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज ट्रेडिशनल कहने का मतलब है पुराना जो परंपरा से जैसे हम उसका यूज करते हुए आ रहे हैं अगर उसी तरह हम कंटिन्यू यूज करें तो ऐसे को कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस मतलब पचास सौ साल पहले कोयला को जला के ही बिजली बनाया जाता था आज सौ साल के बाद भी कोयला को जला के बिजली बनाया जा रहा है पचास साल के बाद भी याद रखना है पचास साल जब आने वाला होगा उस समय भी कोयला को जला के बिजली बनाएंगे इसका मतलब कि जैसा पुराने परंपरा के हिसाब से हम लोग फ्यूल को यूज कर रहे हैं और अभी भी यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे कन्वेंशनल और अगर हम नए नए तरीका से एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर एनर्जी नया तरीका से अब ज्यादा यूज किया जा रहा है पहले भी किया जाता था पर बहुत ही कम मात्रा में पर अब ज्यादा लार्ज स्केल में किया जा रहा है पवन चक्की विंड एनर्जी का यूज अब हम लोग ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसा जो नया सोर्सेस के मदद से एनर्जी ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया है? ठीक है क्लियर एकदम हो गया उसके बाद आ जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब बार बार जिसका उपयोग कर सके क्या बोल रहे हैं सर फोर्थ सेमेस्टर का जल्दी कोर्स लॉन्च कर दीजिएगा रिकॉर्डेड से देख लेंगे हाँ कर देंगे अरे बहादुर पहले तो एग्जाम दे दो देखो अभी फोर्थ का कोई बात ही मत करो सर करता है अब बीच बीच में करता होगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिट्टु कुमार थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे टेस्टिंग टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन बता अरे बिट्टू तो बहुत तगड़ा पढ़ाया हूं फिर भी अब सामने मिलेंगे ना तो टेस्टिंग आ रहा है यूनिट नंबर थ्री आपको पूरा करवा देंगे पूरा सब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे टेंशन ना लो रिनोर्सिस ऑफ एनर्जी मतलब जिसका उपयोग आप बार बार कर रहे हैं ऐसे रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं

आप यहां पर देख लीजिए पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोयला बायोमास बायोमास में कितना है तो सारा आपका जो भी प्लांट है जो भी लकड़ी है जो भी फसल का जो बचा हुआ पार्ट है ये सारा बायोमास के अंदर आ जाता है ठीक है फ्लोइंग वाटर विंड एनर्जी सोलर रेडिएशन लकड़ी भी लिख दीजिए ना उड यस ये ऑल आर द बायो सॉरी ऑल आर द प्राइमरी सोर्सेस डायरेक्ट आप इसका यूज युस करते हैं सर फोर्थ सेमेस्टर का फीस एक हजार रखिएगा कौन है धनंजय कुमार फीस देखिए हम लोग कम उम नहीं करते बच्चा फीस जहां कम कर रहा है आप वहां जाके ले सकते हैं है ना आगे बढ़ जाए टाइम कम है सर सर बाकी है न्यूमेरिकल रिवीजन करना है वेरी गुड मैस ये सही है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स सेकेंडरी एनर्जी सोर्स किसको कहते हैं तो ए सेकेंडरी एनर्जी सोर्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज

चारकोल लकड़ी को जला के जो कोयला लकड़ी वाला जो कोयला होता है उसको चारकोल कहते थे सेकेंडरी हो गया उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया द एनर्जी सोर्स विच इज अवेलेबल इन नेचर एंड कैन कंटिन्यूसली यूज मतलब एक ऐसा एनर्जी का सोर्स जो बार बार यूज किया जा सके ऐसे एनर्जी सोर्स को क्या कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी द एनर्जी सोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल रीनुबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी टाइडल का मतलब समुद्र में जो लहर आ रहा है उससे कंटिन्यूस जो एनर्जी बना रहा है हाइड्रो एनर्जी ये सब सारा रीन रिसोर्स हो गया नॉन रिनल में क्या हो गया ठीक हैसेस ऑफ एनर्जी जैसे कोयला है आप रिनेवल में लकड़ी भी डाल सकते हैं कोयला है तो उड है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी हो गया कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाए नेक्स्ट ये डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फोर मार्क्स में तो अगर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में पूछा तो आप डिफिनेशन भी लिख दीजिएगा और डिफरेंस से पॉइंट खोज खोज के भी सारा लिख दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझिएगा पहला क्या कर रहा है जिसका यूज हम बार बार कर दे। तो देखिए बहुत आसान यहां पर यही लिखा हुआ है इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन थ्रू आउट कर एग्जॉस्टेड yes. इसका उपयोग हम लोग लगातार निरंतर नहीं कर सकते कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा ये आपका समाप्त हो सकता है ठीक है कुछ दिन के बाद ये आपका क्या हो सकता है समाप्त हो सकता है आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए दे आर इको फ्रेंडली ये पॉल्यूशन नहीं करता है इको फ्रेंडली का मतलब डू नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूस सो मच पॉल्यूशन सो मच पॉल्यूशन सो मच पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है. ये क्या करता है दे इमिट हार्मफुल गैसेस एंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट नॉट इको फ्रेंडली बस यही लिख दीजिएगा इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी अनलिमिटेड क्वांटिटी में सोलर एनर्जी क्या है अनलिमिटेड कितना भी उपयोग करो खर्च नहीं होगा इट प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड फिनिश वन डे है ना ये कोयला जो है लिमिटेड क्वांटिटी में और कुछ साल के बाद ये क्या होगा समाप्त हो जाएगा रिक्वायर्ड लार्ज एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट अब ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए हमको थर्मल पावर प्लांट के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है कोयला को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो पाया गया है कि लगभग 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको लगभग 500 या उससे भी ज्यादा एकड़ का जमीन का हमको जरूरत पड़ता है मतलब 5000 से भी ज्यादा एकड़ का जरूरत पड़ता है तो सोच लीजिए कि हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है कितना 400 मेगावाट तो इतना बड़ा एरिया को कवर करना होगा तो कह रहा है कि अगर आप एक मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं इसके लिए हो सकता है कि 10 एकड़ जमीन का जरूरत पड़े और यहां पर एक मेगावाट आप बना रहे हैं या 50 मेगावाट भी आप बना रहे हैं तो हो सकता है दस एकड़ में ही बन जाए तो ये कम एरिया में उतना पावर बना के दे देता है और इसके लिए हमको ज्यादा एरिया में सोलर पावर बिछाना पड़ेगा विंड पावर बिछाना पड़ेगा तो ये बोल रहा है कि रिन्यूबल रिसोर्सेज जो एनर्जी है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो बहुत बड़े एरिया में सोलर प्लेट हमको बिछाना पड़ेगा या विंड टर्वाइन लगाना पड़ेगा इसमें क्या है रिक्वायर लेस एरिया रिक्वायर लेस एरिया फॉर द सेम पावर इंस्टॉलेशन ठीक है सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इससे आप लगातार जो है ना एनर्जी नहीं निकाल सकते जैसे रात में आप सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना सकते हवा नहीं चल रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना सकते पर इसमें क्या है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल कोई दिक्कत यहां तक नहीं आगे बढ़ जाए वेरी गुडी आदर्श कुमार सिंह ओ मिस्टर आदर्श कुमार सिंह खुशी तुम कहो तो मतलब इतना टेंशन मेरे खुशी तो तुम्हारे अंदर है है ना सबके अंदर खुशी है आप मेहनत करके पढ़िएगा तब ना खुशी आपको महसूस होगा दूसरे का खाली पूछ रहा है कहा है वो कहा है तुमको बताएगी वो कहां से है नहीं है एक से एक बच्चा इतना टेंशन में भी तुम कहाँ से हो हम कहाँ से हैं बताइए तो तुम क्या कर लोगे उसका है इसमें हो हो एनर्जी, 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 हो गया 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 कोयला आपका आपका क्या हो गया? हो गया। इसके बाद ये भी आपका फोर मार्क्स में पूछ सकता है पर चांस कम है ज्यादा रिनिवल नॉन रिनोर्सेस ऑफ एनर्जी है ठीक है क्या कह रहे हैं द एनर्जी सोर्स विच आर कॉमन ऐसा एनर्जी का सोर्स जो कॉमन हो हम अपने घर में भी लकड़ी से खाना बना रहे हैं पचास साल पहले भी लकड़ी से खाना बन रहा था आज भी गांव में लकड़ी से खाना बन रहा है हो सकता है दस साल बाद भी लकड़ी से खाना बनेगा तो ये पुराने परंपरा से ही चलाया हुआ आ रहा है तो द एनर्जी सोर्स विच आर कॉमन एंड मोस्टली यूज एंड दे हैव बीन यूज इन लॉन्ग टाइम आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे फायरवुड लकड़ी से जला के खाना बना रहे अभी भी इंडिया में तीस परसेंट से चालीस परसेंट जो है खाना बनाया जाता वो लकड़ी की मदद से ही बनाया जाता गांव सब में भले कितना भी उज्ज्वला योजना आ गया होगा फिर भी अभी भी 30 से 40 परसेंट बनाया जा रहा है चारकोल के मदद से कोयला यूज इन अ थर्मल पावर प्लांट तो ये कन्वेंसनल है अगर हम पुराने परंपरा को ही लेके अभी भी एनर्जी का सोर्स यूज करें तो ऐसे को कन्वेंसनल बड़ी कंफ्यूजिंग है बच्चा एकदम दिमाग मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं जल्दी से आगे बढ़ जाए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाए जल्दी से आगे बढ़ जाए नेक्स्ट है दे आर कॉम्परेटिवली न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड दे आर रिसेंटली डेवलप ठीक है जैसे विंड मिल सोलर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सारा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज याद रखना है जहां कन्वेंशनल लिखा है वो लगभग एग्जाम्पल होता है किसका नॉन रिन्यूएबल का और जहां पर नॉन कन्वेंशनल लिखा है वो किसका एग्जाम्पल रहेगा तो वो आपका रिन्यूएबल का रहेगा ये दिमाग में बैठा लेना एनर्जी सोर्सेस प्रोड्यूस मोर पॉल्यूशन ये ज्यादा पॉल्यूशन करेगा कन्वेंशनल कोयला जला रहे तो पॉल्यूशन करेगा ही. ये क्या करेगा? Exhaust, नेचुरल गैस ये सारा कन्वेंशनल के अंदर आ जाता है नेक्स्ट है बच्चा कॉमर्शियल कॉमर्शियल का मतलब हो गया कि अगर किसी ईंधन के लिए हमको पैसा देना पड़े है ना प्राइस uh, देना पड़े तो ऐसे को कॉमर्शियल कहेंगे और अगर ऐसे मुफ्त में दे दिया दे दिया लकड़ी दे दिया है ना ये आपका फसल का कटा हुआ बचा हुआ पाट पूर्जा ये अगर दे दिया तो इसको नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं ठीक है थीके? अब हो सकता है ये गिस्ट क्वेश्चन में तो नहीं डाला हूं पर चार नंबर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए सी क्या होता है एलपीजी गैस क्या होता है तो ये चार नंबर में पूछ सकता है इसलिए थोड़ा सा हमको शक लगा है तो हम दोबारा वापस आपको ये दे दिए हैं ठीक है तो ये सब सब कुछ लाइव में बहुत तगड़े से पढ़ा दिया हूं फिर भी आप एक बार देख ही लेते तो बढ़िया रहता ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे बढ़ जाए हम लोग चलिए सर न्यूमेरिकल भी बता दीजिएगा बता देंगे सीएन क्या है तो सी का मतलब होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस पहले नाम ही तो याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है सीएन क्या है एक इको फ्रेंडली गैस है इट लगभग 80 से 90 कौन सा रहता है है तो मीथेन गैस, मीथेन गैस गैस ठीक है? और याद रखना है कि गोबर गैस के अंदर भी यही प्रेजेंट रहता, रहता है कोई दिक्कत नहीं अमाउंट ऑफ इथेन एंड अदर है बच्चा इट इज अ ग्रीन फ्यूल ये ग्रीन फ्यूल है बिकॉज कार्बन का जो उत्सर्जन होता है बहुत ही कम होता है तो इट इज अ ग्रीन फ्यूल बिकॉज इट डज नॉट इमिट सो मच हार्मफुल गैसेस एंड इट ऑल्सो फ्री फ्रॉम द लीड लीड से फ्री रहता है बहुत खतरनाक है सल्फर ये फ्री रहता है क्योंकि सल्फर सब जो है ना वो जलता है या रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड बनाता है और जब पानी चूंकि वो तो एक गैस बन के वातावरण में है और जब पानी उसके साथ रिएक्ट करता है तो वहां से एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है तो ये सब बहुत डेंजरस हो जाता है द कॉस्ट ऑफ सी एनजी फ्यूल इज लेस देन सी एन CN, मतलब जो कॉस्ट होता है सी एन जी फ्यूल का वो कम होता है तो सीएन जी वेहकल कैन रन बोथ ऑन सी एंड पेट्रोल तो इसलिए हम लोग सीएन जी यूज करके हम लोग पेट्रोल से भी चला सकते हैं अगर कोई फोर व्हीलर है उस फोर व्हीलर में सीएन जी का अलग किट लगा लेंगे और हम पेट्रोल से भी चला सकते हैं सी एन जी से भी चला सकते हैं सी एन जी का कॉस्ट कम है इसलिए सरकार ज्यादा अभी आपको जो है सब्सिडी दे रही है कि आप लोग सी एन जी का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए क्योंकि ये पॉल्यूशन क्या करता है बहुत ही कम करता है सी एन जी इज लाइटर देन एयर हवा से भी ये हल्का होता है सी एन जी इज एक्सट्रैक्टेड बाय द डायरेक्टली ड्रिल थ्रू द अर्थ सरफेस फ्रॉम द कोल माइंस एंड फ्रॉम द क्रूड ऑयल अच्छा निकाला कैसे जाता है तो कहीं कहीं जो कोयला हम लोग निकालते हैं वहां जब कोयला का खनन करते हैं तो वहां भी हम लोग मिथेन का बड़ा भंडार मिल जाता है तो वहां से हम लोग कर लेते हैं कभी जमीन के नीचे से हम जो क्रूड निकालते हैं, तो उसके दौरान हमको गैस भी मिल जाता है ये सारा जो संस्था काम करता है वो एनजीसी करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत का महारत्न कंपनी है ये सारा कुछ वही सब देखरेख करती है तो सीएनजी जनरली हम लोग कहाँ से निकालते हैं जमीन के नीचे से निकालते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी सर सब्जेक्टिव में कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा पूछता है सब्जेक्टिव में बता तो रहे सबसे ज्यादा यूनिट नंबर टू पूछता है सबसे आसान यूनिट यूनिट नंबर फोर है यूनिट फोर से भी एकदम सोलह नंबर का क्वेश्चन पूछता है यूनिट नंबर टू से बीस नंबर का क्वेश्चन पूछेगा दोनों यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ जाए नेक्स्ट है बच्चा नेक्स्ट 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 मान लीजिए अगर लिक्विड एलपीजी के बारे में पूछ दिया तो इसको फुल फॉर्म याद रखेगा लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ रहता है जिससे आप खाना बनाते हो वो एलपीजी गैस रहता है तो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी गैस कहते हैं इज ए हाइड्रोकार्बन ये क्या रहता है हाइड्रोकार्बन रहता है और मिक्सचर किसका रहता है तो याद रखना मेन जो कंस्टिट्यूएंट रहता है ब्यूटेन रहता है आपका में में कौन कौन रहता 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 है मीथेन रहता है 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 मीथेन मीथेन मेन मेन मीथेन रहता है। और और सा रहता है? ब्यूटेन रहता है। दोनों क्या हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना हुआ रहता है ब्यूटेन का चार चार आठ दो दस है ना तो ये हो गया आपका ब्यूटेन नेक्स्ट है एलपीजी यूज फ्यूल गैस इन हीटिंग एप्लीकेशन हम लोग ज्यादातर कुकिंग इक्विपमेंट एंड वेकल्स और वेकल्स में भी यूज़ कर सकते पर ये इलीगल है सरकार इस पर बैंड लगा दी है इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इसका कोई भी कलर नहीं है, है, है. है. इसीलिए इसीलिए उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इथाइल मार्किप्टन मिला देते हैं सी टू एच फाइव एस एच रहता है इथाइल मार्किप्टन मिला देते गंदा गैस है अगर मान लीजिए कोई अच्छा महकने वाला गैस इसमें मिला देते हैं तो तुम बोलता है कि अच्छा है लीक करने दो तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है पता चलेगा माचिस जलाएंगे जा, तो पूरा घर ही आपका उड़ जाएगा इसलिए गंदा गैस को डाला गया है क्योंकि इसका जो मीथेन गैस सॉरी ब्यूटेन गैस है और प्रोपेन गैस का कोई स्मेल नहीं है तो अगर मान लीजिए कभी लीकेज होगा क्योंकि हाईली फ्लेमेबल है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है

पर चूंकि एलपीजी भारी है तो नीचे ही रहेगा और आग लगेगा तो नीचे से ही आपका ब्लास्ट कर सकता है हाई कैलोरफिक वैल्यू होता है ऐसे सी का भी हाई कैलोरफिक वैल्यू होता है इट इज अको फ्रेंडली ये भी इको फ्रेंडली है कम से कम आपका जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है एलपीजी अवेलेबल इन डिफरेंट सिलेंडर साइज पांच किलो में भी आपको मिल जाता है बच्चे लोग तो आप लोग यही यूज करेंगे और 5 केजी से के से लेके 450 केजी तक हम लोग यूज कर सकते हैं प्लांट में अलग अलग इंडस्ट्रीज में इतने बड़े बड़े सिलेंडर में यूज किया जाता है और ट्रांसमिट फ्रॉम द पाइपलाइन पाइपलाइन के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर सरकार क्यों बैन किया अरे ये अकॉमर्शियल यूज है ना ये कॉमर्शियल यूज है अब मान लीजिए गाड़ी में सब आप यूज करेंगे तो घर में खाना बनाने के लिए क्या यूज करेंगे बात समझिए गाड़ी कौन रख रहा है जिसके पास पैसा है खाना तो सब लोग बना रहा है ना चाहे वो हाई फैमिली वाला हो मीडियम हो या लो फैमिली वाला हो सब बना रहा है तो वहां तो ज्यादा कंजम्पन हो रहा है तो अगर घर उपयोग में घर में जो हम लोग एलपीजी ला रहे हो अगर गाड़ी में भी यूज करेंगे तो उसका रेट क्या होगा बढ़ जाएगा और आपको पता है कि कुछ साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा ये तो लिमिटेड क्वांटिटी में है ना सर कितना परसेंटेज होता है मिथाइल मार्किप्टन सौ परसेंट में मान लीजिए पांच परसेंट के आसपास रहता होगा बहुत कम रहता है अरे कोई भी गंदा स्मेल जो है ना बहुत कम ही आप डालते हैं बहुत ज्यादा नहीं रहता परसेंटेज करके स्पेशल नहीं पूछेगा पर अगर परसेंटेज भी होगा तो बहुत कम परसेंटेज रहता है ब्यूटेन अगर सौ परसेंट है तो सौ परसेंट में पांच परसेंट के अंदर ही रहता है चलिए आगे बढ़ जाएं कोई दिक्कत नहीं एकदम क्लियर हो रहा है बहादुर बहुत स्पीड में खींच रहा हूं सब पढ़े हुए है ना एक बार बस चमका देना है तो याद आपको हो जाएगा आगे बढ़ रहे हम लोग सी का प्राइस बढ़ा दिया है मोदी जी अरे मोदी जी थोड़े सी का प्राइस बढ़ाते हैं है ना 400 का सिलेंडर 2000 में कर दिया है ठीक है अरे 400 कब मिलता था आज से 10 साल पहले मिलता था है ना तो 10 आपका आमदनी भी तो बढ़ा है 10 साल के बाद ना पहले आदमी को कितना कम पैसा मिलता था आज के डेट में तो इसलिए गलत बात मत बोलिए ऐसा थोड़े कांग्रेस सरकार आएगी तो एक हजार का सिलेंडर उसका औकात ही नहीं है। तो ऐसे कहे? सर, भी होता है क्या हार्मफुल नहीं होता बहुत कम है हार्मफुल कम है अरे कोयला लकड़ी की अपेक्षा तो सब हार्मफुल है ही नहीं चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे सोलर प्लेट कलेक्टर ये फोर मार्क्स में पूछ सकता है बहादुर मार्क्स में पूछ सकता है क्योंकि पिछले साल आपसे पूछ दिया है सोलर कुकर के बारे में बताने के लिए फोटो वोल्टेज सेल के बारे में बताने के लिए मतलब कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो है ये पूछ सकता है, ठीक है? सर आप भी बैच का रेट कम कर दीजिए देखो कोई बच्चा अगर बैच का रेट कोई कम कर रहा है तो तुम ले लो वहां पर पैसा तुम्हारे लाइफ में कितना आएगा जाएगा पर जो दूसरे कोचिंग है हम यही जानते हैं कि मैकेनिकल का सबसे अच्छा पढ़ाई पूरे बिहार का बता रहा हूं जय मैकेनिकल से अच्छा कहीं होता ही नहीं है इतना अच्छा टीम कहीं है ही नहीं बाकी बात किसी बच्चा को अगर कहीं इधर उधर कम पैसा से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए पैसा हम लोग जो पिछले साल आपको जितना लिए बस उतना ही लेंगे कोई पैसा कम नहीं लेंगे ना ज्यादा लेंगे ये बता दे रहे हैं बाकी बात दूसरे कोचिंग ऐसा है पांच सौ रुपया में भी आपका एडमिशन ले, ले, तो ले रहे थे इसका मतलब समझ जाना कि अब, अब क्या ही बोले हम चलो ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे फ्लैट प्लेट कलेक्टर फ्लैट प्लेट कलेक्टर किसको कहते हैं आप नोटिस करेंगे हम लोग जितना दिन भी क्लासेस ले रहे हैं जितने टीचर लोग ले रहे हैं आपको एक दिन भी नहीं हम लोग बोले थे कि आप फोर्थ सेमेस्टर, फोर सेमेस्टर में इतना से यही काम कर रहा है तो क्या करेगा हम लोग को दो सौ परसेंट श्योर है कि हम लोग के पास जो बच्चा पढ़ा है पूरा कॉन्फिडेंस में एग्जाम तगड़ा जा रहा है पूरा चीज सारे टीचर लोग लाइव रिविजन कितना पर पढ़ाए बी तो लगता है चार पांच घुटवा दिए थे मैन्युफैक्चरिंग के टीचर भी लगातार पढ़ा रहे थे एम का, का मेटेरियल वो बचा हुआ है मेरा अगले सेमेस्टर में हम जो पेपर पढ़ा रहे हैं दो पेपर पढ़ा रहे हैं और दोनों पेपर एकदम प्योर दोनों पेपर मेरा बहुत फेवरेट है है ना तो दो पेपर हम पढ़ा रहे हैं एक पेपर विश्वजीत सर पढ़ाएंगे एक पेपर आपके थर्मल टू जो है वो आपके गौरव सर पढ़ाएंगे और एक मैन्युफैक्चरिंग का सॉरी एक पेपर आपका जो है आदित्य सर पढ़ाएंगे यस yes. क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में वेरी गुड अब यहां पर आ जाओ यहां पर आ जाओ यस yes. गौरी भी हम लोग के साथ आ गया वेरी गुड बिट्टू कुमार आगे बढ़ जाए हम लोग सोम सोम और yes. और टॉम टॉम यस आपको पढ़ाएंगे वो तो तगड़ा पेपर है आग लगा देंगे उसमें अभी अभी उस पर चर्चा नहीं करना अभी आप लोग का कल एग्जाम है तो ज्यादा मेहनत इस पर करिए ठीक है बाकी बात दूसरे कोचिंग वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है देखने का मन है देखो नहीं देखने का मन है नहीं देखो सुनने का मन है सुनो नहीं सुनने का मन नहीं सुनो पैसा अगर कोई कम कर रहा है तो समझ जाना क्वालिटी नहीं देगा ये तुम लोग सोच समझ के अपना लेना बाकी बाद हम आप लोग स्वतंत्र हैं कहीं भी पढ़ सकते हैं चलिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर किसको कहते हैं बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर से हम बिजली पैदा कर देंगे नहीं उसके लिए फोटो वोल्टे सेल यूज करते हैं मतलब सोलर पैनल का हम लोग यूज करते हैं अंतर है बहादुर फोटो का मतलब होता है लाइट फोटो वोल्टे सेल इसका मतलब एक ऐसा सेल मतलब एक ऐसा प्लेट सोलर प्लेट जिस प्लेट के मदद से अगर सन का लाइट उस पर पड़े और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलने लगे तो ऐसे सेल को या ऐसे प्लेट को सोलर प्लेट नहीं तो फोटो सेल कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक अलग तरह का कलेक्टर है कलेक्टर का मतलब पकड़ने वाला तो इसका काम मेन होता है हीटिंग करने का पानी को गर्म करने का कैसे गर्म करता है आपको यहां पर दिखा रहे हैं देख लीजिए यहां पर यहां आपके पास एक वो टंकी अगर दिख रहा होगा तो फिर मजा ही आ जाएगा ये देखिए एक टंकी है ये ओरिजिनल फिगर है इसके ऊपर एक ग्लास का शीशा लगा हुआ है ये देखिए इसके ऊपर एक ग्लास का शीशा लगा हुआ है और अंदर में जो है ना पतला सा कॉपर का ट्यूब डाला हुआ है बहुत सारा ट्यूब डाला हुआ है तो यहां से एक साइड से जो है ना पानी इसमें आएगा एक साइड से पानी आएगा और इस ट्यूब के अंदर भर जाएगा ऊपर से से ये देखिए सन जो है ना मुस्कुरा रहे हैं भगवान तुम तुम लोगों को देख के कि कैसा तुम लोग अपना हाल कर लिया है तो ये सन है यहां से रेडिएशन निकल रहा है अब ये क्या कर रहा है इसमें जो प्लेट लगा है ये ट्रांसपेरेंट है अंदर चला जा रहा है पर ऐसा प्लेट लगा है कि अंदर जो हीट जा रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वापस नहीं जा रहा है तो ये क्या कर रहा है इसके अंदर जो पानी है इस पानी को गर्म कर रहा है और पानी को गर्म करके हम लोग इसका यूज कर रहे हैं इसका मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन में जहां पर ठंडा पड़ता है सन का लाइट है पर वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि हमेशा बर्फ जमा रहता है तो वहां पर पानी को गर्म करने के लिए हीटर यूज हम लोग ज्यादातर नहीं करते सोलर पैनल सबके छत पर लगा हुआ रहता है सोलर सॉरी सोलर प्लेट कलेक्टर सबके छत पर लगा रहता है और जो पानी को गर्म करता है और आप फिर उस पानी का यूज कर सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सब लगाया जाता है क्योंकि वहां पर आपको बहुत तरह का यूज़ होता है जहां पर हॉट वाटर का, का यूज होता है तो क्या कहता है, कि है।, क्या है? सर बिना कैरी लगे पास हो जाएंगे तो आपका ही बैच लूंगा अरे गधा क्यों पड़े हो चाहिए। चलो ठीक है सर कौन कौन सर पेपर पढ़ाएंगे फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर सेमेस्टर में में बता तो दिए हैं फोर्थ सेमेस्टर में दो पेपर हम पढ़ा रहे हैं टॉम थर्मल फिक्स है हमेशा पढ़ाते दस साल से वही हम ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं एक पेपर गौरव सर पढ़ाएंगे एक पेपर आदित्य सर पढ़ाएंगे एक पेपर विसू सर पढ़ाएंगे बस सर फिफ्थ यूनिट का रिविजन कराएगा यस फिफ्थ यूनिट का भी रिविजन होगा टाइम एकदम बटा हुआ है बजे बजे तुम खाना खा लीजिएगा फिर आपके आएंगे गौरव सर यूनिट फाइव का रिवीजन कराएंगे पूरा फिर हम आएंगे आपको रात में सात बजे और सात बजे यूनिट थ्री और फोर का पूरा रिवीजन करवा देंगे और ऑब्जेक्टिव तो अभी हम कराते ही जाएंगे हर यूनिट वाइज कराते जाएंगे बस खत्म हो गया आराम से पढ़िए फिर चलिए नेक्स्ट क्या है तो ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज अ हीट एक्सचेंजर फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है एक तरह का हीट एक्सचेंजर और डिवाइस दैट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी जो सोलर एनर्जी को क्या चीज में कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में एंड दिस हीट एनर्जी यूज टू हीट द वाटर और पानी को गर्म करने में ये मदद देता है ये फिगर आप जरूर बना दीजिएगा पी भेजेंगे एक बार फिगर का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ठीक है इट कलेक्ट और कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड यूज दैट एनर्जी टू हीट वाटर इन द होम फॉर बाथिंग वॉसिंग एंड हीटिंग एंड कैन ईवन बी यूज टू हीट आउट साइड स्विमिंग पूल वेन द टेम्परेचर इज लो मतलब ये सब समझिए हम लोग बिहार वाले के लिए नहीं है किसके लिए वैसे जगह जहाँ पर ठंडा बहुत पड़ता है जैसे हिमाचल प्रदेश चले गए जम्मू कश्मीर चले गए उत्तराखंड चले गए या दूसरे देश चले गए रसिया, रूस यूक्रेन ये सब अगर चले गए तो वहाँ पर ये सब का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं फिगर क्लियर है बहादुर देखो इसमें ऊपर से एक ग्लास का कवर लगा है अंदर में कॉपर ट्यूब है नीचे में जो है एब्जॉर्बर प्लेट लगा दिए ब्लैक कर, कलर करके फिर पीछे जो है थर्मल इंसुलेटर दा डाल दिए फॉर्म वूम डाल दिए हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को जो है अल्मोनियम से कास्टिंग कर दिए हैं बस खत्म खान फायदा क्या है सर फायदा क्या है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव डाल देंगे थोड़ी देर में चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग एडवांटेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर एडवांटेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर सर थर्ड सेम में भी आप बोले थे दो पेपर पढ़ाएंगे नहीं थर्ड में बहुत लोड ज्यादा था तो फिर फोर्थ में तो सियोर रहेगा आप देख लीजिएगा ना पहले कोर्स आने दीजिए फिर देखिएगा मनोगा लीजिएगा गुरुजी थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए है ना राहुल तुम छोड़ सकता है क्लास अगर जिस बच्चा का कंप्लीट है बार बार बता रहे हैं जिस बच्चा का कंप्लीट है कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं पहले पहले बता दे रहा हूं जो पहले से पढ़ा है बस उसको रिवीजन करा रहे हैं यहां नया कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा हाँ दूसरे यूनिट का रिवीजन करा कुछ बचा रिविजन होगा तो वो जरूर करवा देंगे पर अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं तो जिस बच्चा को लग रहा है कि ये दोनों यूनिट मेरा कवर है क्लासेस छोड़ सकते हैं आप तब तक दूसरे यूनिट को कवर कीजिए कोई जरूरत नहीं है समय को बर्बाद करना ठीक है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसा है आपका नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर फ्लैट प्लेट कलेक्टर का क्या क्या एडवांटेज है तो सबसे पहला इजी टू मैन्युफैक्चर मतलब बहुत आसान डिजाइन आप भी घर में में प्रोजेक्ट के रूप में इसको कर सकते हैं तो बहुत आसान है लो कॉस्ट है कम ही खर्च में ये बन जाता है कलेक्ट बोथ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन अच्छा दोनों तरह के रेडिएशन को कर सकता है कलेक्ट बोथ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन मतलब यहां पर देखिए सोलर रेडिएशन आ रहा है अगर रेडिएशन थोड़ा हल्का भी होगा तो उसको भी वो कलेक्ट कर सकता है ये बड़ा फायदा है परमानेंटली फिक्स कहीं भी इसको इंस्टॉल कर दीजिए छत के ऊपर काम करेगा आराम से लिटिल मेंटेनेंस मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं बीच उच में एक महीना में एक सप्ताह में जाइए ऊपर में जो है वो पोछा मार दीजिए क्योंकि इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है तो एक पोछा आप मार दीजिए आगे बढ़ जाए इजी इंस्टॉलेशन एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ हॉट वाटर हीटिंग मतलब दूसरा जो हीटिंग वाटर है उसके अपेक्षा ये इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है आगे बढ़ जाए हम लोग नेक्स्ट कोई दिक्कत कोई परेशानी यस yes. अरे जो लाइट पड़ रहा है दैट लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंस रेडिएशन है ना तो ये इंसिडेंस रेडिएशन को भी पकड़ लेता है अंदर जो गया यहां से क्या करना चाह रहा होगा यहां से डिफ्यूज करना चाह रहा होगा बाहर निकलना चाह रहा होगा उसको भी पकड़ के वो रख लेता है तो जो लाइट आया और जो जाने वाला उसको भी पकड़ के अंदर रख लेता है तो ये बड़ा फायदा है इसका, इसका। इसके बारे में अगर लिखने का आया तो थोड़ा बहुत आप लिख दीजिएगा कि सोलर प्लेट कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज हीट एब्सॉर्विंग प्लेट यूजली ए लार्ज सीट ऑफ कॉपर एंड अलूमिनियम एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देखिए अगर फिगर आपको दिख पा रहा होगा नहीं तो पीपीटी में तो आपको मतलब जो पीडीएफ भेजेंगे दिखेगा दिखेगा ही तो देखिए यहां पर एक कटा हुआ इसका पोर्शन दिखा रहा है जिसमें सबसे पहला क्या दिखा रहा है कि यहां से कोल्ड वाटर अंदर आ रहा है और इसमें पाइप लगा हुआ है कोल्ड वाटर इसके अंदर इस तरह से ढलाव दिए हुए तो ऊपर से आपका जो है ना पानी आ रहा है और वो नीचे जा रहा है गर्म हो रहा है और वहां से बाहर निकल जा रहा है तो इसमें आप देखिए एक ग्लास का इसको हम लोग पर सीट लगा दी चदरा ऊपर से लगा दिए इसके नीचे क्या हैं पूरा कॉपर का ट्यूब डाल हैं और नीचे में क्या कर दिए तो कॉपर का एक प्लेट डाल दिया रेडिएशन जो है इंसुलेटर का वो काम करे तो ए सोलर प्लेट कलेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ही प्लेट लार्ज सीट ऑफ कॉपर और अल्मोनियम एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट पेंटेड विद ब्लैक कलर एब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन हर एक सोलर रेडिएशन को ये क्या करेगा? Absorb कर लेगा ओवर दिस सर्फेस नंबर ऑफ पैरल ही सरफेस ड्यू टू दिस टेम्परेचर इज राइज एज द प्लेट गेट होटर दिस हीट दंडक्टेड थ्रू द राइजर मतलब जो पाइप लगा हुआ है एंड एब्सोर्ब बा मोटा मोटा यही बता दे रहा हूं कि करता क्या है तो यहां इस तरह से आपका बॉक्स बना हुआ है ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है यहां पर इस तरह से ये बना हुआ है यहां एक टंकी लगा दी इस टंकी में ये एक इनलेट है एक आउटलेट है तो नीचे वाला से यहां से पानी आया और यहां से फिर ये घूमते हुए यहां चला गया तो इसमें बहुत सारा कॉपर का ट्यूब लगा हुआ है पानी आया और इसके ऊपर सन का जो लाइट है वो इस पर इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्ट होना चाह रहा था पर उसको भी पकड़ लिया अब ये क्या किया कॉपर के ट्यूब को गर्म किया नीचे में हम लोग पीछे में हम लोग ब्लैक बॉडी लगा दिए मतलब मेटल का सीट लगा दिए और उसके ऊपर कलर ब्लैक कलर का पेंट कर दिए लाइट उस पर पड़ा तो वो क्या किया कॉपर के ट्यूब को गर्म किया जैसे गर्मी के सीजन में आप देखते होंगे जिसके भी घर में लोहा का अगर पाइप होगा अब देखिएगा छत के ऊपर टंकी जो बैठा है लोहा का अगर पाइप होगा गर्मी के सीजन में आप अपना पैर से चप्पल हटा के उस लोहा के पाइप पर रखिएगा तो आपको महसूस होगा कि कितना गर्म हो रहा है तो सोचिए वो उतना गर्म हो रहा है तो कॉपर तो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बेस्ट कंडक्टर होता है है ना उसका थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होता है तो वो तो और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अगर हम अरेंजमेंट ऐसा रख दे कि लाइट उस पर पड़े और वहीं रुक जाए तो वो तो और ज्यादा हीट करेगा ना तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि ऐसा पानी को गर्म करने के लिए ये पूरा सिस्टम लगाया जाता है तो ध्यान देना है प्लेट कलेक्टर में ए मेटल प्लेट सोलर एनर्जी। यहां पर इसका सब पार्ट पूर्जा को अलग कर दे और मिला दीजिएगा तो काम हो जाएगा अगर दिख रहा है तो बढ़िया है नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम लाइट कम करते हैं सर क्लास का फ्लो में जहा आ जाते हैं आप मोमेंटम

क्या अलग कर दिए जैसे तुम्हारा मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर एक टेंपर ग्लास लगाते हो ना तो सेम यहां पर भी एक टेंपर ग्लास ये देखिए इस तरह से लगा दिए हैं ये एक नंबर हो गया ये एक नंबर हो गया इसके नीचे जो है ना चूंकि ये ग्लास जो है ना या यहां पर एक प्लास्टिक का लेयर लगा दिए ये थिन प्लास्टिक का लेयर लगा दिए इसके नीचे एक एक ग्लास लगा दिए एकदम ट्रांसपेरेंट पतला सा इसमें देखिए फिर कॉपर का ये ट्यूब डाला हुआ है ये कॉपर का ट्यूब डाला हुआ है जहाँ से एक साइड से पानी आएगा एक साइड से गर्म पानी निकलेगा यहाँ पर ये अल्मोनियम का ये पूरा ढांचा तैयार किए कि हल्का रहे वजन इसका कम रहे तो अल्मोनियम का एक इस तरह से फ्रेम डाले हैं इसके नीचे क्या किए हैं कॉपर का एक प्लेट बिछा दिए और उस कॉपर के प्लेट को काला कलर से कलर कर दिए हैं और नीचे में थर्माकोल डाल दिए हैं कि अंदर जो है हीट बाहर नहीं जाए और सबको फिट कर दिए तो वो कुछ ऐसा थर्मल इंसुलेटर आ गया ये पाइप दिखा रहा है एक दो तीन इस तरह से पाइप हो गया एब्जॉर्बिंग प्लेट है ये देखिए ब्लैक कलर का दिए जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है ऊपर से कवर प्लेट दे दिए हैं कि डस्ट उट या पानी उनी पड़े तो दिक्कत नहीं करे तो ऐसा ये काम रहता है इसी को कहते हैं क्या कह रहा है तो ये क्या होता है कि पहला बोल रहा है कि ये फ्लैट मेटल प्लेट दैट एब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन देखिए एब्सॉर्बिंग प्लेट है ब्लैक कलर का ए ट्रांसपेरेंट कवर दैट अलाउ सोलर रेडिएशन टू पास थ्रू पास थ्रू द कवर एंड रिड्यूसेज हीट लॉसेज फ्रॉम द एब्सॉर्बर है ना एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज करते हैं जो आसानी से सोलर रेडिएशन उसमें चला जाए लेफ इंसुलेशन ऑन द बैक ऑफ द एब्सॉर्बर एक नीचे में इंसुलेशन डाल देते हैं कि इधर का हीट बाहर नहीं चला जाए ठीक है और नंबर ऑफ कॉपर ट्यूब इज प्लेस्ड ओवर द फ्लैट मेटल प्लेट थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस बड़ी आसान है देखिए हम आपको जितना लिखा रहे हैं उसमें से आप भी छाट लीजिएगा कि अगर ये सब पॉइंट याद हो रहा है तो उसको लिखेंगे और जो पॉइंट याद नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हम एक चीज को बहुत तरीका से बताते हैं तो हम बड़ा डिफिनीशन बताते हैं क्योंकि हमको पता है कि आपको बड़ा बताएंगे तो आपको इतना याद होगा तो आप उतना ही लिख के आइए ना पर कोशिश कीजिएगा फिगर जरूर बनाएं जितना भी किसी भी यूनिट में बिना फिगर का आप आंसर ही मत दीजिए आप नोटिस करेंगे थर्मल में हम लोग हर एक टॉपिक में फिगर बना बना के समझाते थे तो उसका जरूर यूज करेंगे आगे बढ़ जाए यस बोल तो रहा हूं इसमें छाट लीजिएगा जो भी आपको होगा नेक्स्ट बच्चा कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट का भी चलन बहुत सारे जगह में है ज्यादातर वैसे जगह में जहां पर ठंडा खूब पड़ता है देखिए जहां भी ठंडा पड़ता है बच्चे के दिमाग में यह रहता है कि वहां सोलर रेडिएशन नहीं आता होगा वहां भी आप अगर हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे ठंडा रहता है पर एकदम सुबह में देखिएगा कि सन वहां पर एकदम आराम से आ जाता है क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है कि बर्फ हमेशा जमा रहेगा पर हमेशा आपका जो है ना सन सूर्य जो है ना उदय होगा कोई कुहासा नहीं रहेगा लाइट पूरा आएगा पर चूंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि आपको हमेशा ठंडा महसूस होगा बर्फ महसूस होगा तो वहां पर क्या किए हैं? उसका यूज करना चाहते हैं सोलर रेडिएशन का तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से बहुत सारा प्लेट लगा देते कर्व करके ये देखिए हम चाहते हैं कि जो सन का रेडिएशन है ये देखिए सारे प्लेट पर पड़ रहा है और यहां पर एक टावर बना देते हैं यहाँ पर एक रिसीवर बना देते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा हम लोग प्लेट लगा दिए कर्व करके बहुत सारा प्लेट लगा दिए और सन का जब रेडिएशन इस पर पड़ रहा है तो ये ऐसा रेडिएशन पड़ रहा है कि यहां से रिफ्लेक्ट जैसे याद होगा बच्चा में आप लोग एक लेंस यूज करते थे और उस लेंस के मदद से जो सूखा पत्ता था उसमें आग लगाते थे जो आपका पेज होता था पेपर होता था उसमें आग लगा है ना लेंस को उसको फोकस करते थे कि जो सन का लाइट है वो वहां से पास करे और छोटा तो सा यहाँ पर कंसंट्रेट करे तो नाम से ही पकड़ में आ रहा है अच्छा सर समझ गए लेंस कपड़ा हम लोग जलाते थे पेपर हम लोग जलाते थे सूखा पत्ता तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इसीलिए नाम है कंसंट्रेटेड मतलब जितना भी सोलर रेडिएशन है सबको एक जगह केंद्रित कर दो इतना ज्यादा अगर हीट हो जाता है ना

सर ऑटोमोबाइल फोर्स से आप पढ़ाइएगा अरे पढ़ाइए सब बता देंगे बच्चा क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे सब बता देंगे पर अभी मत डिस्कस करो अभी आप लोगों का समय एकदम कीमती है अभी थर्ड में कंसंट्रेट करो एग्जाम कल दे के आइए फिर हम लोग बीस तारीख को आपको मिलेंगे लाइव सेशन में उसमें आपको पूरा सिलेबस आपको पूरा सब्जेक्ट आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ बता देंगे कहाँ कोर्स चलेगा किस तरह से पढ़ाएंगे सब बता देंगे पर अभी मत डिस्कस कीजिए ठीक है बाकी बात अगर इधर उधर दिमाग आप लगा रहे हैं तो लगा भी सकते कोई दिक्कत का बात नहीं है ना क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे जान के उधर भी जाए पाकिस्तान जाए नेपाल जाए अफगानिस्तान जाए चाइना जाए तब तो, तो पता चलेगा कि इंडिया का क्या वैल्यू है है ना तो क्या कहता है सीएसपी प्लांट इज अ टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट दैट यूज सोलर कंसंट्रेटर याद रखना है क्या यूज करता है सोलर कंसनट्रेटर का यूज करता है टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी into द हीट अब तो समझ में सबको आ गया होगा ना कि ये क्या कर रहा है ये सन का जो लाइट आ रहा है सब प्लेट पर पड़ रहा है ये आपका जो है बहुत सारा प्लेट लगा हुआ है कौन सा कंसंट्रेटेड प्लेट लगा और यहां से क्या हो रहा है यहां पर सारा रिसीव हो रहा है और यहां पानी जो है गर्म होकर टर्बाइन को घुमा रहा है एंड देन प्रोड्यूस हीट इज कन्वर्ट इंटू पावर सी प्लांट ऑल्सो नोन है सोलर थर्मल पावर प्लांट

इस बार तुम ही लोग पहला कॉलेज है जिसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है किसी भी एग्जाम मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी कॉलेज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नहीं लिया था जो फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा है है ना तो आपको गेस्ट क्वेश्चन दे देंगे जितना आपको लेक्चर रिकॉर्डेड थी उसको पढ़ जाइए वहीं से लिख दिया अरे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के ही तरह है आगे बढ़ जाए रितेश कुमार सर फोर्थ सेमेस्टर में पंद्रह सौ फीस होगा गई तो हम नहीं बता सकते कितना होगा उतना कम तो कभी हम लोग नहीं लेते हैं ठीक पंद्रह सो जो होगा ना वहां फिर आपको ऑफर दिया जाएगा इतना ग्रुप में आइएगा तो इतना पैसा देंगे ग्रुप वाला और ये वाला सब देख लीजिएगा बच्चा हम कुछ ना बोलेंगे इसके लिए ठीक है एक सौ दो सौ रुपयाओगे ना, तो ना हम अमीर बनेंगे पर जो मिनिमम फीस है वही हम लोग लेंगे ना ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे जितना आप थर्ड में दिए हैं उतना ही आप फोर्थ में दीजिएगा उससे एक रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे ठीक है सर गेस्ट क्वेश्चन कहा है साक्षी कुमार अभी तो गैस क्वेश्चन सारा दे दिया हूं सब तो ऐप में डाला हुआ है रे बच्चा ऐप में बीस दिन पच्चीस दिन पहले गैस क्वेश्चन सारा डाल दिए हैं अब जो अपने यहां का बच्चा नहीं उसका हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट है इन पावर यहां पर इन पावर टावर कंसेंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब इन ये ये लाइन हटाए इन इन सोलर पावर प्लांट इन सोलर पावर इन सोलर पावर प्लांट इन सोलर पावर प्लांट ध्यान से सुनेंगे इन सोलर पावर प्लांट ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट सन ट्रैकिंग मिरर नोन एज हेलिस्टोट्स फोकस सनलाइट इनटू टू ए रिसीवर एट द टॉप ऑफ द टॉल टावर ए हीट ट्रांसफर फ्लूड हीटिंग द रिसीवर इज यूज टू हीट द वर्किंग फ्लूड विच रोटेट द टर्न एंड टर्बाइन इज कपल विद द टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या कहना चाह रहा है यहां पर बहुत सारा बहुत सारा आपका प्लेट लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड प्लेट इस पर जब रेडिएशन पड़ रहा है तो सारा का सारा फोकस एक जगह जा रहा है यहां पर एक टावर बना दिए हैं यहां सारा हीट एनर्जी जा रहा है अब इसमें क्या है पूरा पानी ठंडा पानी आ रहा है और ये पानी गर्म होके यहां पर स्टीम ड्रम में चला जा रहा है और स्टीम ड्रम से हम लोग भेज दे रहे हैं के पास का कहा साफ्ट है, जनरेटर के साफ्ट के साथ कनेक्टेड है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है बस यही काम आपको लिख देना खत्म हो गया एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी और सोलर पावर प्लांट तो क्या एडवांटेज है तो सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन नेचर फ्री में अवेलेबल है इको फ्रेंडली है कोई पॉल्यूशन नहीं करता है इट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है कोई खर्च उर्चा ही नहीं बीच बीच में सोलर पैनल को सॉरी जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है या जो कंसंट्रेटेड कलेक्टर होता है उसको खाली साफ-उब करना पड़ता है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आप भी अपने गांव में लगा लीजिएगा वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा बिजली विभाग को बेच दीजिए आपको पैसा मिलेगा तो यहां से पैसा कमाया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूसेस अगर आप खुद ही लगा लेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं ठीक है डिसएडवांटेज क्या है इट रिक्वायर लार्ज एरिया ज्यादा एरिया लगा मतलब ज्यादा एरिया में इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आप इसका काम कर सकते हैं इट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग रात उत में नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाए महेश कुमार सर कुछ लोग सब्जी मंडी समझ रहा है हाँ होगा ये ना मतलब तो अच्छे कोचिंग में कभी पढ़ाई नहीं है तो क्या ही करेंगे है ना अच्छे कोचिंग में कभी अच्छे टीचर से पढ़ा ही नहीं हो कहाँ पढ़ा है पांच सौ रुपया वाला में कहा पढ़ा है सात सौ रुपया वाले में कहा पढ़ा है तो वही तो उसको क्या ही पता चलेगा इसलिए वो सब बच्चा पर दिमाग ही नहीं लगाना है है ना अरे पूरे थर्ड सेमेस्टर में अभी भी सबसे ज्यादा बच्चा हम लोग के यहाँ पढ़ रहा है तो बेवकूफ थोड़े वो बच्चा है जो यहाँ पढ़ रहा है सर थर्मल पढ़ने में मन सब पढ़े हैं प्रिया भारती सर थर्मल में पूरा पढ़ लिए तुम पढ़ लियो तो क्लास छोड़ सकते हो है ना आराम से छोड़ दो चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट है अच्छा बायोगैस किसको कहते हैं बायोगैस है ना बायोगैस किसको कहते हैं तो इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन मेन क्या रहता है मीथेन रहता है और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है हाइड्रोजन रहता है सल्फर हाइड्रोजन सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है मॉइस्चर रहता है द मेन कंसिस्टुएंट ऑफ बायोगैस मीथेन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा पिछले बार यही क्वेश्चन आ गया था कि बायोगैस में कौन सा रहता है सर ऑब्जेक्टिव हार्ड आ रहा है थर्मल का ऑब्जेक्टिव कोई हार्ड नहीं रहेगा अंत भला तो सब भला बता दे रहा हूं है ना जितना पढ़ा रहे हूं, उसी से क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट है, नेक्स है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एनोर्बिक याद रखना है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एनोर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर याद रखना है बायोगैस कैसे बनता है तो एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन जिसमें जैसे जो गोबर है गोबर को क्या कीजिए एक टंकी के अंदर रख दीजिए

एंड अदर एनिमल डंग मतलब और भी जैसे जरूरी नहीं है गाय का हो सकता है बड़ा बड़ा किसी का पोल्ट्री फार्म हो या हॉर्स फार्म हो पिग फार्म हो किसी का भी तो वहां बहुत सारा वो लोग क्या करता है वेस्ट अपना निकालता है उससे हम लोग डायरेक्ट करते हैं अभी तो बहुत सारे शहर में शहर में जो मैनुअल वेस्ट आता है जो हम लोग बाथरूम करते हैं बड़ा बड़ा सब कलेक्ट कर लेता है और उससे पूरा मिथेन गैस बना रहा है और पावर प्लांट उसका यूज कर रहा है एग्रीकल्चर वेस्ट म्यूनिस्पल वेस्ट ये सारा कुछ बायोगैस बनाने के लिए

नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ बायोगैस क्या है तो बायोगैस बर्न विदाउट स्मोक बायोगैस का मतलब मिथेन मिथेन अगर जलेगा तो कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता है इट इज अ रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी बार बार हम इसको बना सकते हैं जब तक जीवित है मतलब पृथ्वी है तब तक आप इसको बना सकते ये कैसा है रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है याद रखना है जनरेट इंप्लायमेंट अच्छा आप इससे इंप्लायमेंट भी जनरेट कर सकते हैं मान लीजिए आप गांव में रहते हैं बहुत सारा हर गांव में देखते होंगे कि सबके पास गाय बैल बकरी सब रहता है तो आप सबका गोबर को कलेक्ट करवा लीजिए और वहां एक बायोगैस प्लांट बैठा लीजिए आप आराम से मिथेन गैस बनाइए उस मिथेन गैस के मदद से आप अपना घर का खाना बनवा सकते हैं आप कोई इंडस्ट्रीज चला सकते हैं फैक्ट्री चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं तो यहां पर इंप्लायमेंट दिया जा सकता है बायोगैस प्लांट रिक्वायर वेरी लिटिल इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत खर्च नहीं आता है एकदम सब्सिडी दिया है सरकार कि आप लगाओ हम पैसा देंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन कहा देखने को मिलता है तो कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं बायोगैस इज अ मेंटल लाइट गैस बर्नर फॉर द लाइटिंग पर्पज है ना गांव में भी, भी अभी भी पंच लाइट जलता है पेट्रोमैक्स जिसको कहते हैं तो उसमें भी देखिएगा गैस भरा देते हैं और उस गैस में जो है ना हम लोग वहां पर कौन सा गैस भरा देते हैं वही एलपीजी भरा देते हैं पर आप मिथेन गैस को भरा के भी आराम से लाइटिंग का काम कर सकते हैं बायोगैस इज यूज फॉर द हीटिंग वाटर आप पानी को भी गर्म कर सकते हैं इट इज यूज एज अ फ्यूल फॉर आईसी इंजन आईसी इंजन में फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इट इज टू रन डीजल इंजन जनरेटर अब डीजल इंजन जो जनरेटर है उसका डीजल सेट हटा के वहां गैस वाला लगा दीजिए आप उसको भी जना सकते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे बढ़ जाए ये फिगर है जरा आप देख लीजिएगा इसमें इसमें करते क्या है तो एक बड़ा सा आपको जो है ना गुंबद बनाते हैं डॉम बना देते हैं यहां पर देखिए मेटल का भी बना सकते हैं सर मैंने में पांच ही ऑब्जेक्टिव सही है और सब्जेक्टिव अभी अटेम्प्ट किए हैं तो फिर पेपर नहीं

फरवरी खत्म हो गया मार्च अप्रैल मई अच्छा सॉरी जुलाई में है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में है तो आपके पास समय कितना है मार्च पूरा अप्रैल पूरा मई पूरा जून पूरा चार महीना का समय है अच्छा समय है आप कर सकते हैं है ना तो यहां पर देखिए एक डॉम बना दीजिएगा यहां से गोबर को डाल दीजिए पानी डाल दीजिए गोबर डाल दीजिए पूरा डाल दीजिए यहाँ पर एक वो मिक्सर लगा दीजिए इसको पूरा आराम से फेट दीजिए और इसको बंद कर दीजिए इसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए 20-25 दिन के बाद सड़ेगा ना तो यहाँ से गैस बन जाएगा ये देखिए ये पूरा गैस बन गया और यहाँ पर पाइप लगा दीजिए बल्ब लगा दीजिए मुंह बंद कर लीजिए जब निकालना है तब इसको निकालिएगा और यहाँ से जो बचा खुचा पार्ट है इसका गोबर का उसको कहा यूज कर सकते हैं खाद के रूप में यूज कर सकते हैं और ऐसे खाद को ऑर्गेनिक खाद कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तो फिगर याद रखिएगा नेक्स्ट बच्चा बायोमास किसको कहते हैं बस खत्म अब होने पर है यूनिट वन बायोमास किसको कहते हैं तो बायोमास इज अ रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी बार बार इसका यूज कर सकते हैं बार बार इसको बना सकते हैं बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द कहां से मिलता है तो प्लांट से मिलता है एनिमल से मिलता है कौन सा प्लांट तो दिस इज कॉल्ड डेड प्लांट कौन सा डेड प्लांट और एनिमल्स विच आर प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन ठीक है बायोमास क्या है तो घर का जितना भी कचड़ा है जो किचन से आपका निकल रहा है जितना भी प्लांट आपका है चाहे वो डेड प्लांट हो या एग्रीकल्चर का जो वेस्ट प्रोडक्ट हो या कोई भी डेड एनिमल्स हो कुछ भी तो वो सारा क्या है वो बायोमास प्रोड्यूस करता है बायोमास कहने का मतलब है जो बायोगैस बनाता है खत्म बात द वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स ठीक है जितना भी लिविंग थिंग्स के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकाला जा रहा है

पेपर इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो पेपर का टुकड़ा सब सब बचा हुआ है तो वो सब प्रोसेस में यूज होता है तो वो सारा बायोमास के लिए यूज होता है ठीक है बायोमास आर कार्बन कंपाउंड एंड इट इज ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी आप उसका यूज कहां कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप कचड़ा को जला अभी देखते हैं दिल्ली सरकार या बहुत सारे सरकार क्या कर रही है जो कचड़ा है उस कचड़ा को जला के हीट प्रोड्यूस कर रही है पानी को गर्म कर रही है और थर्मल पावर प्लांट निकाल रही है मतलब थर्मल पावर प्लांट बना रही है तो अभी कचरा का भी यूज हो रहा है रिसाइकलिंग करके बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इन इथेनॉल बायोमास का यूज आप लोग इथेनॉल बनाने में भी कर सकते हैं बाय ए थर्मल प्रोसेस एंड इनटू द मिथोनॉल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस जो पॉइंट याद होगा लिखिएगा जो पॉइंट नहीं याद होगा छोड़ दीजिएगा ठीक है लास्ट और आखिरी आ जाते हैं बायोडीजल अभी बहुत चलन में आ रहा है मतलब जो गन, गन्ना है जो आपका मकई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भुट्टा कहते हैं वो सबसे भी आप क्या कर सकते हैं बायोडीजल बना सकते हैं और बायोडीजल अभी बहुत चलन में है बिहार में भी एक प्लांट लगाया गया है बायोडीजल का फसल से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उससे हम लोग बायोडीजल बना रहे हैं और बायोडीजल का काम जो है ना डीजल इंजन के जगह में यूज हो रहा है तो क्या कर रहा है इट इज अ रिन्यूएबल एंड नेचुरल डोमेस्टिक फ्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल मोस्टली फ्रॉम द सोयाबीन कॉर्न दैट इज कॉल भुट्टा या सफेद सरसों ये सबसे ये बनाया जा रहा है बायोडीजल बायोडीजल इज अल्टरनेटिव क्लीन बर्निंग रिनेबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बायो डीजल की जगह यूज होता है इट इज अ बायोडिग्रेबल मतलब ये कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा बैक्टीरिया इसको खा जाएगा ठीक है डिस्ट्रॉय इन वाटर एंड सॉयल इन ट्वेंटी एट डे बायोडीजल इज अ लिक्विड फ्यूल कंटेन सेवेंटी सेवन परसेंट कार्बन हाइड्रोजन और अदर डिफ्यूज गैसेज इट कंसिंग अल्टरनेटिव फ्यूल है बायोडीजल इज डायरेक्टली यूज इन ऑल डीजल इंजन डीजल इंजन में डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते है. कोई मॉडिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन लेस पॉल्यूशन करता है इट कैन बी इट इट हेल्प रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन द फॉरिजन फील्ड है ना दूसरे देश से जो हम तेल को खरीदते हैं उससे हमको आत्मनिर्भर बनाएगा तो इसलिए भारत अभी आत्मनिर्भर बनने पर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूल सेल क्या होता है तो फ्यूल सेल क्या है तो फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है सेल का मतलब बैटरी है

ए फ्यूल सेल कैन बी डिफाइन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट दिनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल भाया एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ठीक है यहां पर फ्यूल सेल का आप फिगर बना देंगे एक साइड आप यहां पर एनोड डाल देंगे जो पॉजिटिव होता है एक साइड आप कैथोड प्लेट डाल देंगे जो नेगेटिव होता है इसमें आप हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज करिएगा और यहां पर हवा भी ले लीजिएगा वाटर ले लीजिएगा और उसके मदद से यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो कुछ थोड़ा पॉइंट है याद रख लीजिएगा इसमें आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनता है ठीक है तो क्या कह रहा है बहादुर ध्यान से सुन जाइएगा आगे बढ़ जाए सर मक्का से कैसे बनेगा अरे मक्का से भी बन जाता है ना सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन एक होता है ऑक्सीडेशन एक होता है रिडक्शन है ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन ऐसा कुछ होता है क्या एक बार बता देंगे कोई भी बच्चा जो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट लोग हैं जल्दी से एक बार देख के बता देंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल रिडक्शन आई होप ऐसा ही होता है कुछ रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है और इसका कुछ कुछ पॉइंट देखो ना ये कितना आसान है इट हैज हाई इफिस मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉसल फ्यूल्स यही सब तो होता है आगे बढ़ जाए हम लोग कहा यूज होता है फ्यूल सेल इज मेन पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब में खूब यूज होता है फिर जो सोलर मिशन सब जाता है या मून मिशन जो जाता है उसके रॉकेट में से ये सब लगा हुआ रहता है चलिए अब आ जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है तो एक जनरेटिंग स्टेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाता है ऐसे को न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन ये कंट्रोल चेन रिएक्शन पर काम करता है सर न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का डिफरेंस बता दीजिएगा एकदम बता देंगे एकदम बता देंगे सर पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया तुरंत कर देंगे क्लास खत्म होगा तुरंत कर देंगे ठीक है देखिए करता क्या है बस ये समझ जाओगे एक यूरेनियम का एटम ले लेते हैं तो यूरेनियम कौन सा लेते हैं तो 92 लेते हैं और 235 लेते हैं यूरेनियम का दो आइसोटॉप्स होता है एक होता है 235 और एक होता है 238 एटॉमिक नंबर 92 है मास नंबर 235 है 238 भी हो सकता है

गार्जियन को बड़े भाई बहन जो भी हैं उसको भटकाना मुश्किल तुमको भटकाना थोड़ा सा भी कोई भी इन्फ्लुएंस किया कोई भी प्रभावित किया तुरंत उधर चले गए अच्छा खराब बहुत ज्यादा आप नहीं सोच पाते क्यों अनस्टेबल है पर जब तुम स्टेबल हो जाओगे तो स्टेबल को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए तो याद रखना टू थर्टी एट स्टेबल है और टू थर्टी फाइव अनस्टेबल है तो अनस्टेबल को तोड़ना आसान होता है तो यूरेनियम टू थर्टी फाइव को लेते हैं इसको क्या करते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ टकराते हैं जैसे टकराते हैं तो बेरियम में टूट जाता है और क्रिप्टम में टूट जाता है और तीन गो न्यूट्रॉन निकालता है तीन गो न्यूट्रॉन निकालता है इस तीन गो न्यूट्रॉन में दो गो न्यूट्रॉन को जो है ना वीक कर देते हैं कमजोर कर देते हैं दो झापड़ मारते हैं थकूच देते हैं तो ये दोनों क्या होता है कमजोर हो जाता है जैसे कमजोर होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक कैडमियम का रॉड डाला हुआ रहता है जैसे कमजोर होता है तो ये दोनों क्या करता है कैडमियम पकड़ के उसको खींच लेता है पर एक वो बहुत एनर्जेटिक होता है तो बोलता है ठीक है तुम अपना लाइफ जी लो तो ये जो न्यूट्रॉन है ये फिर से एक यूरेनियम के साथ टकराएगा और फिर बेरियम बनाएगा बनाएगा क्रिप्टम फिर तीन न्यूट्रॉन निकालेगा फिर दो लॉस्ट कर देंगे फिर एक को रिएक्शन करेगा एक एटम जब टूटेगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा और इसी एनर्जी के मदद से मतलब आप ऐसे समझिए कि एक केजी नमक में एक दाना अभी टूटा फिर जो न्यूट्रॉन है फिर दूसरे दाना को टूटेगा एक के जी नमक में एक करोड़ दाना होगा एक एटम को मतलब अगर यूरेनियम आप एक के जी ले रहे हैं ना तो एक के जी को पूरा समाप्त होने में हो सकता है बीस साल लग जाए इतना मतलब रिएक्शन तो उसका फास्ट होता है

पहले नंबर पर आ जाएगा 2030 में जो रिन्यूबल रिसोर्सेस एनर्जी से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा मतलब सोलर से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला देश हमारा भारत हो जाएगा 2030 तक में माना जा रहा है बात समझे नहीं आगे बढ़ सकते हैं सर ईवी का क्लास नहीं चलेगा इलेक्टिव टू कोई भी अगर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे तो उसका क्लास नहीं चलेगा बहादुर ईवी का नहीं चलेगा आईओटी का नहीं चलेगा और भी जो पेपर है नहीं चलेगा क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग है तो कितना पढ़ाएंगे एसबीटी तो ऐसा मजाक कर दिया ना तुम लोग क्या ही बताएं हर कॉलेज में फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर ही अलग दे दिया है तो सबका पेपर चलेगा फर्स्ट मतलब चार पेपर चलेगा बस लास्ट पेपर नहीं चलेगा उसको रिकॉर्डेड से पढ़ना होगा सर पेन से फिगर बना सकते एकदम बना सकते हो मनीष आगे बढ़ जाए गुलशन सर क्या बोल रहा है अर्थशास्त्र में हमारा देश पीछे है किस में अर्थशास्त्र में हमारा देश पीछे है हाँ तो तुम लोग अर्थशास्त्र में पीछे नहीं होगा तुम लोग पोलिटिशियन किसको चुनता है बिना पढ़ा लिखा हुआ वाला वा वा आदमी को अपना जात धर्म देख के खाली चुनता है तो दूसरे कंट्री में क्या है पढ़े लिखो को प्रिफ्रेंस दिया जाता है कि आप सत्ता में आइए हम लोग यहाँ ऐसा कुछ नहीं क्रिमिनल को हम लोग बना देते हैं सत्ता में तो क्या ही बोलेंगे चलिए आगे बढ़ जाए तो देखो क्या बोल रहा है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन ये कंट्रोल चेन रिएक्शन में काम करता है अब, अब अब समझ में आया कंट्रोल किसको कहते हैं इसका मतलब अगर ये तीन न्यूट्रॉन निकला और तीन न्यूट्रॉन फिर तीन यूरेनियम के एटम को तोड़ेगा फिर एनर्जी बनेगा और वो छह न्यूट्रॉन निकलेंगे फिर छह

यूरेनियम है एटॉमिक नंबर नहीं याद रहा छोड़ देना हालांकि यूरेनियम का तो रट जाना 92 होता है टूटता है बेरियम और क्रिप्टम में मान लो अगर गलती से बेरियम क्रिप्टम याद नहीं आया तो यहां पर एक्स लिख देना यहां पर वाई लिख देना और तीन को न्यूट्रॉन दिखा देना इसमें से दो को लॉस्ट करा देना यहां से लाइन खींच देना 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है फिर यूरेनियम टूटेगा फिर बनाएगा एक्स वाई फिर यहां से और ये रिएक्शन चलते रहेगा आगे बढ़ जाए कंस्ट्रक्शन कैसा होता है तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसका फिगर एक बार बता देते हैं ये है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो हार्ट होता है वह होता है न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर अभी डिप्लोमा का सबसे ज्यादा बच्चा अगर पूरे इंडिया में अपने बिहार में अगर सबसे ज्यादा कहीं काम कर रहा है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है एनपीसीआईएल के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का ये भी महारत्न कंपनी है इसके अंदर ये काम कर रहा है गवर्नमेंट जॉब है अच्छा जॉब है तगड़ा जॉब है खूब पैसा मिलता है इज्जत मिलता है तो इसके अंदर भी काम करता है पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है बिजली बनाया जाता है तो यहां पर देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है मतलब ये रूम है और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल ये डब्बा में रखा हुआ रहता है एक लीड का ब्लॉक बना हुआ रहता है मेटल का ब्लॉक बना इसमें यूरेनियम भर दिया जाता है इसी को कहते हैं फ्यूल रॉड और ये यूरेनियम होता है 92 टू टू थर्टी ठीक है और इसके अंदर जो है ना कूलेंट डाल देते हैं मॉडरेटर डाल देते हैं और मॉडरेटर के रूप में हम लोग वाटर डाल देते हैं डिस्टिल्ड वाटर पानी को गर्म कीजिए भाप बनेगा उस भाप को ठंडा करके रख लीजिए उसी वाटर को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं उसमें कोई मिनरल्स नहीं होता अगर गलती से वो पानी पी गए तो आपके शरीर में वो कोई फायदा नहीं करेगा जरूरत से ज्यादा पीजिएगा तो वो नुकसान आपको करेगा इसलिए डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए ठीक है जो बैटरी के अंदर डालते हैं बनता कैसे पानी को गर्म कीजिए भाप बना उस भाप को ठंडा कर लीजिए वही पानी को डिस्टिल्ड वाटर कह रहे तो इसके अंदर डाल देते हैं अब इसमें जब रिएक्शन होता है तो इसमें से हीट निकला न्यूट्रॉन निकला न्यूट्रॉन फिर टूटेगा तो ये कूलेंट क्या करता है उसको पहले दो गो न्यूट्रॉन को शांत कर देता है जैसे उसकी एनर्जी को कम करता है तो ये जो कैडमियम का है पकड़ के खींच लेता अब यहां जो कूलेंट डाले हुए थे ये कूलेंट क्या बन गया स्टीम बन गया अब स्टीम को क्या किए पाइपलाइन के थ्रू इस तरह से गुजार दिए और यहां पर ठंडा पानी इसमें भर दिए ये देखिए ठंडा पानी भर दिए इस पाइप में स्टीम गुजर रहा था तो यहाँ के पानी को गर्म कर दिया और ये क्या बना दिया स्टीम बना दिया अब ये स्टीम कहाँ चला गया तो ये स्टीम टर्वाइन के ऊपर चला गया इसके ऊपर छोड़े इसको घुमाया स्पीड इस से और जनरेटर के साथ कनेक्टेड और यहां से एकदम करेंट दौड़ने लगा फिर यहां से इसको ठंडा करेंगे किस में कंडेंसर में यहां से क्या होगा ठंडा पानी आएगा पानी नदी से कोल्ड वाटर आएगा नदी से कोल्ड वाटर आएगा नदी से यहां जो स्टीम निकला स्टीम दिस इज कॉल्ड यूज स्टीम ये यूज स्टीम को हम लोग क्या करते हैं फिर से ठंडा करके इस हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल देते हैं और यहां जो स्टीम है ये वापस इसी में चला गया इसका यूज नहीं करते क्यों क्योंकि इस पानी इस भाप में रेडिएशन का खतरा बहुत होता है इसलिए इसको वापस उधरे भेज देते हैं यहां जो फ्रेश पानी हम लोग लिए ना इस पानी को टरबाइन के ऊपर देते हैं और इस तरह से काम होता है क्या क्या है इसमें तो देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहला फीजनेबल मटेरियल फ्यूल ईंधन के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं यूरेनियम का आइसोटॉप्स यूज करते हैं अपने इंडिया में यूरेनियम का भंडार नहीं है हम लोग के यहाँ क्या है प्लूटोनियम का भंडार है तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्लूटोनियम करते हैं है। दूसरा फिर है मॉडरेटर मॉडरेटर का, का काम है मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन याद रखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा मॉडरेटर का क्या काम होता है तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है है ना कोई बच्चा बड़ी एकदम उछल कूद रहा है दू झापड़ हाँ दिए शांत हो गया वही काम ही मॉडरेटर करता है नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड क्या करता है कंट्रोल रोड बच्चा पहले तो दू दूझापर दिए शांत हुआ नहीं शांत हुआ तो क्या करते हो छड़ी उठा लेते हो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल रोड बस उसको दिखाए वो शांत हो गया तो कंट्रोल रोड क्या करता है इज यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन एंड टू मेंटेन द स्टेबल रेट ऑफ रिएक्शन कैडमियम रॉड इज यूज टू कंट्रोल मटेरियल ये क्या करता है न्यूट्रॉन को खींच लेता है कूलेंट का क्या काम होता है कूलेंट इज कूलिंग वाटर विच इज रिमूव द हीट जनरेटेड ड्यू टू द फीजन इन द रिएक्टर वाटर नाइट्रोजन आर यूज एज अ कूलेंट और प्रोटेक्टिव सील्ड है। सील्ड का मतलब होता है लेयर है ना रेडिएशन से बचाने के लिए जो दीवार हम खड़ा करते हैं प्लांट इंडिया में महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है इंडिया का पहला आपका थर्मल पावर प्लांट जो है बैठा हुआ था और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार दीजिएगा चलिए लास्ट और आखिरी है फोर मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है फोर मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फीजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इससे ज्यादा वन यूनिट वन में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है ठीक है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है तो पहला है न्यूक्लियर फीजन न्यूक्लियर फीजन क्या है तो ध्यान से सुनेंगे वेन ए हेवी न्यूक्लियस याद रखना है फीजन बड़ी बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर बहुत बार कंफ्यूज होते हैं तो याद रखना है दो चीज याद रखना है फ्यूजन वर्ड पकड़िएगा फ्यूज का मतलब होता है देखते हो कभी आप अपने घर में देखेंगे फ्यूज उड़ गया, तो उड़ क्या जाता जाता है, है है, दो को वायर रहता वो गल तो फ्यूज का मतलब होता है मिलना तो जब छोटा छोटा एटम मिलेगा याद रखना है छोटा छोटा एटम मिलेगा तो उसको फ्यूजन कहेंगे और जब बड़ा एटम टूटेगा तो उसको फ्यूजन कहेंगे क्लियर हो गया तो न्यूक्लियर में क्या होता है बड़ा एटम बड़ा एटम कौन है बहादुर तो बड़ा एटम यूरेनियम है कितना 92 और कितना 235। ये क्या किया टूटा किसके साथ टकराने साथ न्यूट्रॉन के साथ क्या बना दिया बेरियम बना दिया बेरियम के जगह एक्स लिख दिए और क्या बना दिया वाई बना दिया और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकाल दिया तो अगर कोई बड़ा एलिमेंट टूटता है अगर कोई बड़ा एलिमेंट टूटता है तो ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर तो वेन ए हेवी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के जगह वेन ए हेवी एटम एलिमेंट ऑफ एन एटम स्प्लिट स्प्लिट का मतलब क्या होता है टूटना स्प्लिट का मतलब क्या होता है टूटा इंटू लाइटर न्यूक्लिया देन द प्रोसेस इज कॉल्ड देन द प्रोसेस टर्म एज न्यूक्लियर फीजन तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियर फीजन कहेंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियर फीजन कहेंगे ठीक है इसमें क्या है वेन टू लाइटर न्यूक्लिया एकदम छोटा छोटा जैसे हाइड्रोजन है H12 वन प्लस एच ये देखो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स मिला तो हीलियम बना दिया टू चार और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप किया तो व्हेन टू लाइटर न्यूक्लिया टुगेदर जब छोटा छोटा एलिमेंट एक दूसरे से मिलेगा तो वो एक नया एलिमेंट बनाएगा और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऐसे ऐसे को कहेंगे fusion, ऐसे को कहेंगे कहेंगे फ्यूजन फ्यूजन सर अपने से भी बना बना के इंग्लिश में लिख सकते एकदम हंड्रेड परसेंट लिख सकते हो पूरा लिख सकते हो जरूरी नहीं मेरा वर्ड आप यूज करिए आपको और आसान लगे आप लिख सकते हैं कहीं लगा क्या ऐसे भी बर्बाद हो रहे हैं नहीं याद आ रहा हिंदी में लिखी तो और क्या कर सकते हुँ? सर बफरिंग कर रहा है अब बताओ बच्चा हम क्या कर सकते हैं हो हो सकता है नेट का कुछ हो? अरे भाई क्या क्या बोल रहा है जो टीचर सब्जेक्ट का ज्यादा फी लेते हैं वही खान सर कम लेते हैं अरे तुम तो लोग खान सर से हम लोग का छोटा मोटा आदमी का तुलना क्यों करते हो बातें नहीं मैथ तुम लोग का बड़ी कमजोर है तुमको पता नहीं है खान सर के बारे में खान सर एक साथ दस लाख स्टूडेंट को एक ही कोर्स पढ़ाते हैं दस लाख स्टूडेंट से अगर वो दो सौ रुपया भी लिए तो तुमको जोड़ने उड़ने आता तो देख लो कितना आ रहा है करोड़ों में वो कमा रहे हैं हम लोग के एसबीटी में मैकेनिकल में कितना स्टूडेंट है पूरे बिहार का बता रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज का पंद्रह स्टूडेंट है पंद्रह पढ़ कितना रहा एक हजार बच्चा तो आप कितना पैसा दे रहे हैं अगर मान लीजिए हम लोग 200 लेके पढ़ाएंगे तो एक हजार बच्चा है दो लाख रुपया आएगा दो लाख में एक लाख रुपया तो आपका पूरा सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी बिल वाईफाई फाई फन सब में खर्च हो रहा है बीस बीस हजार लेके को टीचर अपना नाम घिनाएगा उससे अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं या फ्री पढ़ाएगा तो लोग काहे कैलकुलेशन करता है एक तो देखिए आपका एजुकेशन अब बहुत सस्ता हो गया आज से पांच साल पहले जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस करने आता था छह हजार रुपया देता था, पढ़ता था रूम रेंट देता था खाना पीना का खर्च निकालता था आज के डेट में तो आप अपने घर में बैठ के इतना सस्ते में पढ़ रहे हैं उसके बाद भी अगर किसी को कंजूसी करना है तो आप कर सकते हैं हम उतना आप लोग से बहस नहीं करेंगे ठीक है इसलिए हम किसी से कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिसको जो मन होगा बच्चा आप कर सकते हैं

तो देख लीजिएगा उसका हम लोग को कोई मतलब नहीं है चलो आगे बढ़ जाते हैं दूसरा रिएक्शन डू दू नॉट इन नेचर याद रखना है बच्चा नेचर में ये अपने आप नहीं होता करवाना पड़ता है पर ये क्या है फीजन रिएक्शन अकर इन नेचर अकर इन नेचर नेचर में अपने आप होता है जैसे इन स्टार जो आपका तारा है उसमें जो जो लाइट आपको दिख रहा है वो रिएक्शन रिएक्शन के के कारण ही दिख रहा है। सन के अंदर जो दिख रहा रहा है नेचुरल है है सन अंदर जो नेचुरल अपने आप होता है ईच एटम स्प्लिट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज जब ये टूटता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है इसमें क्या है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन इज सेवरल टाइम अच्छा याद रखना है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा एच और इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा एच वन ये बहुत ज्यादा होता है मोर होता है मोर ये बहुत ज्यादा होता है ये उसके रिस्पेक्ट में कम होता है वो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कम होता है लेस एनर्जी नीडेड टू स्प्लीट एन एटम है ना इसमें आपको कम ही एनर्जी देना पड़ता है इसको तोड़ने के लिए और इसमें क्या होता है हायर एनर्जी नीडेड टू फ्यूज है ना जोड़ने के लिए मिलाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है ठीक है एटॉमिक बॉम्ब में याद रखना एटॉमिक बॉम्ब एंड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क ऑन न्यूक्लियर फीजन याद रखना एटम वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर एंड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क ऑन न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन तो याद रखना है दो जगह एटम बम न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर फीजन पर काम करता है सन के अंदर स्टार के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर कौन सा रिएक्शन काम करेगा तो फ्यूजन करेगा छोटा छोटा मिलेगा फ्यूजन बड़ा टूटेगा फ्यूजन खत्म कहानी सर यूनिट टू क्या बोल रहे सर यूनिट टू रही बात पढ़ने की जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा नहीं तो बाकी चार मंथ में तीन मंथ घूमते रहेगा ये तो भाई है ना हम लोग किसी को समझा थोड़े सकते अब तो तुम लोग खुद ही बहुत बड़ा हो गए सर न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैकेनिकल वाले को जॉब लगते हंड्रेड तो परसेंट लगता है मोटिवेशन ऑफ बिहार आईओटी का क्लास करवा दीजिए अरे अभी फिफ्थ वाला हमसे बात नहीं करो जो थर्ड का बच्चा है बस वही रुकिए चलिए खत्म हो गया यूनिट वन का सारा सब्जेक्टिव खत्म इतने के अंदर आएगा क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा हमको पूरा विश्वास है है ना अब आ जाते हैं एमसीक्यू पर अब आ जाते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू पर तो आप लोग थोड़ा जवाब स्पीड में देते जाइएगा विच ऑफ द द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको बार बार यूज नहीं किया जा सकता है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा ऐसे एनर्जी सोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं देखो 2022 हजार ऑड में पूछा हुआ क्वेश्चन है लकड़ी को सर बार बार यूज करेंगे जब तक जंगल रहेगा जब तक खेत रहेगा जब तक पेड़ रहेगा जब तक जीवन रहेगा लकड़ी रहेगा सर बार बार यूज करेंगे सन हमेशा रहेगा विंड हमेशा रहेगा फ्यूज नहीं रहेगा फोसल फ्यूज का मतलब होता है कि जो डेड एनिमल होता है जो डेड प्लांट होता है जो कचड़ा होता है जमीन के नीचे हजारों साल तक दबा हुआ रहता है तो वहां से कोयला बन बन जाता है, बन जाता है है पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे फ्यूल को कहते हैं में कौन कौन आएगा तो कोयला आ जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाएगा ये सारा कुछ आ जाएगा फोसल फ्यूज के अंदर तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आप लोग खुद ही बताएंगे नेक्स्ट आप लोग खुद ही बताएंगे फ्यूल यूज इन अ थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं वाटर तो हाइड्रो पावर में होता है यूरेनियम तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है बायोमास भी कर सकते हैं पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है फोसल फ्यूल्स कोयला है ना बेस्ट ऑप्शन कौन सा है फोसल फ्यूल्स कोयला आगे बढ़ जाए देख लो बहादुर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी हालांकि बायोमास का भी यूज कर सकते हैं पर ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है इसलिए इसको मारेंगे सर आईओटी का लाइव क्लास नहीं चलेगा बच्चा मैसेज तो कर दिए थे आईओटी का लाइव क्लासेस नहीं चलेगा आपको रिकॉर्डेड देख के ही पढ़ना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस बायोगैस का मेन मुख्य गैस कौन सा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन बता देंगे तीन का ए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड तीन का ए सी एच फोर और यही आपका गोबर गैस में भी रहेगा गोबर गैस में भी रहेगा गोबर गैस में भी रहेगा बायोमास के अंदर भी यही रहेगा मीथेन रहेगा ठीक है तो थोड़ा कॉमन क्वेश्चन देख लीजिएगा नेक्स्ट फॉसल फ्यूल्स आर फॉसल फ्यूल्स का मतलब कोयला पेट्रोल yes. डीजल ऑल आर द फॉसल फ्यूल्स तो फॉसल फ्यूल्स क्या होता है कुछ दिन के बाद तो समाप्त हो जाएगा ना तो फॉसल फ्यूल्स बार बार यूज नहीं कर सकते हैं तो 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 कौन सा मारेंगे? Non -renewable resources of energy. तो चार का करेक्ट आंसर देख लो बहादुर फॉसिल फ्यूल्स का मतलब दिमाग में क्या बैठा लो कोयला पेट्रोल ये सब तो आप जिंदगी भर थोड़ी यूज करेंगे हो सकता है आप यूज करके निकल जाइए आपका बाल बच्चा नहीं देख पाएगा ठीक है ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बायोगैस इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बायोगैस प्रोड्यूस करता कहां से गोबर से कहां से काउडंग का मतलब गोबर गोबर से गोबर से ठीक है इन बायोगैस प्लांट एरोबिक बैक्टीरिया एनरोबिक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ या फंगी यस छ का छ का छ का अरे सॉरी नहीं पांच का पांच का पांच का पांच का पांच का भी वेरी गुड एनोरबिक बैक्टीरिया देखो इन द एबसेंस ऑफ इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट सनलाइट एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और सनलाइट के बीच में जो रिएक्शन होगा इसको एनोरबिक बैक्टीरिया कहेंगे और एरोबिक में क्या रहेगा प्रसेंस ऑफ अगर हम लोग उपस्थिति में प्रसेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ किसका ऑक्सीजन एंड सनलाइट तो ये होता है एनॉर्बिक बैक्टीरिया और पानी उन्हीं के अंदर जो छोटा मोटा बैक्टीरिया मौजूद रहता है या आप जो वेस्ट निकालते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद रहता है उसको प्रोटोजोआ कहते हैं और फंगिस क्या होता है जैसे ब्रेड उड आप खरीदे तो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का फंगस क्या कहते हैं उसको Uh, आ जाता है उसको हम लोग फंगस कहते हैं जैसे रोटी है पुराना रखा हुआ चार पांच दिन का तो ऊपर में वो थोड़ा सा दाना आ जाता है तो वो फंगस होता है तो वो फंगी हो गया ठीक है अरे टिक मार देंगे ज्यादा तो तुम तो लोग गड़बड़ा जाएगा तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यस सोलर सेल आर मेड ऑफ किसका सिलीकन सिलिकन सिलिकन सिलीकन ठीक है ब्लैक यस फुफुंदा यस वेरी गुड कौन बोला महेश कुमार ग्रीन फुफुंद हाँ सही है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया सर मैं पहले ही जवाब दे दिया था चलो वेरी गुड प्रोटोजोआ बोलते हैं अरे प्रोटोजोआ नहीं बोलते हैं यस yes, अब सही है अब सब सबका सही आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नोन एज द हार्ट व्हिच इज नोन एज द हार्ट ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट सर रिएक्टर रिएक्टर कंडेंसर तो ठंडा करता है कूलिंग टावर सर ठंडा करता है टर्वाइन जो है घुमाता है तो क्लियर हो गया विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें से लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है तो कुदंकुलदमकुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुदंकुलन ये तमिलनाडु में है ना तमिलनाडु में तमिलनाडु में।, तमिल में कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये लार्जेस्ट है लार्जेस्ट लार्जेस्ट का मतलब है बड़ा 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 बड़ा, बड़ा। ओल्डेस्ट नहीं लार्जेस्ट बड़ा कौन है बड़ा कहने का मतलब है कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है तो 2000 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला है तो आप लोग मारेंगे तारापुर एटोमिक पावर प्लांट तारापुर एटोमिक पावर प्लांट ओल्डेस्ट तारापुर ये महाराष्ट्र तारापुर का है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं द प्राइमरी फ्यूल यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन यूज होता है यूरेनियम 235, 238, 239, 233 कौन सा होता है तो हम लोग पढ़े हैं यस स्टेबल यूरेनियम 235 अरे एकदम पढ़ा हुआ इस सब आएगा तुम काहे को टेंशन ले रहा है एक सिंगल को, पांच क्वेश्चन आपको यूनिट वन से पूछेगा चार से पांच क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव में तो वहीं से काम हो जाएगा ट ऑफ विंड टर्वाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द विंड एनर्जी इन टू द मैकेनिकल एनर्जी गियर बॉक्स का स्पीड बनाना जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी टावर का काम होता है सपोर्ट का देना तो कौन बचा है रोटर इज द करेक्ट आंसर यही वाला भाग आपका रोटर हो गया मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉडरेटर का क्या काम होता है रिड्यूस टेम्परेचर ना एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द न्यूक्र रिएक्टर हीट को निकालना नहीं कंट्रोल द रियक्शन कुछ नाम तो सुना लग रहा है कौन सा हो सकता है कौन सा हो सकता है जल्दी से बता दीजिएगा मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर नहीं सर एक्सट्रैक्ट हीट वाटर नहीं हो तो हीजर का काम होता है कंट्रोल द रिएक्शन कंट्रोल द रिएक्शन कंट्रोल रॉड करता है, yes. है। जबरदस्त बोलते हो खराब है इतना तो अच्छा है तुम लोग का विच ऑफ द फॉल्विंग इज डिसेज ऑफ विंड एनर्जी विंड एनर्जी का डिसडवाटेज क्या है लिमिटेड एबेबिलिटी हमेशा मौजूद नहीं रहता हाँ ये तो रहता ही है हाई इनिशियल कॉस्ट लो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इन्वायरमेंटल में तो कोई उसका खराब प्रभाव होता ही नहीं अच्छा प्रभाव है कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोडक्शन ना हवा नहीं चलेगा तो कहां से होगा तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होता है टिपिकल हाइट ऑफ मॉडर्न विंड टर्वाइन विंड टर्वाइन का हाइट कितना होता है तो याद रखना है यह सब रटने वाला है सौ मीटर के आसपास होता है कितना ब्लेड यूज किया जाता है विंड टर्वाइन में तो तीन गो ब्लेड यूज किया जाता है याद रखना ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है रट जाना यस नेक्स्ट आ जाएंगे इन न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट इज द दर्पस ऑफ कंट्रोल रॉड कंट्रोल रॉड का क्या काम है आप लोग खुद से बताओ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू टू जनरेट द फ्लो ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन यस सर कहीं आप बता रहे थे कि टू द एक्सेस न्यूट्रॉन यस सही है वॉट इज द मेन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ओवर द कन्वेंशनल फोसल फ्यूज मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोयला से चलने वाले पावर प्लांट की अपेक्षा में क्या एडवांटेज है तो लो कॉस्ट हाई एनर्जी इफिशियंसी लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट नो ग्रीन हाउस इसमें तो ऑलमोस्ट सारा है सारा है पर यहां क्वेश्चन में बोला सबसे मेन बताइए तो इफिशियंसी का बात होता है तो हायर एनर्जी इफिशियंसी हायर एनर्जी इफिशियंसी सही है ना बहादुर यस वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी इसमें से कौन सा रिन्यूएबल है बार बार जिसका यूज किया जाए ऐसे एनर्जी सोर्स को क्या कहेंगे द एनर्जी सोर्स विच इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन 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 किसका कोयला नहीं कर सकते नेचुरल गैस नहीं कर सकते हैं सोलर सर एक नंबर एक नंबर मार देते हैं सी इज द आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें से कौन सा है नॉन रिन्यूएबल मतलब बार बार इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, कौन सा है तो बायोमास कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं विंड कर सकते हैं न्यूक्लियर नहीं कुछ साल के बाद कुछ हजारों साल के बाद नहीं बोलेंगे हो सकता है सौ साल दो सौ साल के बाद खत्म हो जाए तो जिसका यूज आप बार बार नहीं कर सकते दैट इज न्यूक्लियर बायोमास क्या कचरा तो आप निकालिएगा ही ना चाहे प्लांट है घर से वेस्ट निकल रहा है तो बायोमास तो वही हो गया व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट कौन सा होता है तो नेचुरल गैस के अंदर यही होता है ना मिथेन सी एन जी मिथेन नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन नॉन कन्वेंशनल 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 का का मतलब का मतलब पुराने परंपरा से अगर एनर्जी का यूज करे तो कन्वेंशनल नए तरीका से अगर यूज करें तो नॉन कन्वेंशनल तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल कोयला पहले से जलाते हुए आ रहे हैं नेचुरल गैस पहले से जलाते हुए है, पेट्रोलियम पहले सोलर का यूज हम लोग अभी ताजा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नॉन कन्वेंशनल में कौन आ जाएगा सोलर आ जाएगा विंड आ जाएगा टाइडल आ जाएगा जियो थर्मल जियो का मतलब अर्थ और थर्मल का मतलब हीट तो अर्थ के अंदर बहुत सारा ऐसा जगह आता है, है जहां से बहुत हीट निकलता है उस हीट का यूज हम लोग क्या करते हैं पानी को गर्म करके बिजली बनाने में यूज करते हैं उस हीट का हम लोग क्या करते हैं पानी को गर्म करके बिजली बनाने में यूज करते हैं तो सोलर इज द करेक्ट आंसर तो ऑप्शन याद रखेंगे कन्वेंशनल में कौन आ जाएगा तो कोयला लकड़ी गोईठा ये सारा कन्वेंशनल हो जाएगा विच हाइड्रोकार्बन प्राइमरी प्रेजेंट इन एलपीजी एलपीजी में कौन सा मेन कार्बन मौजूद है तो सर मीथेन इथेन वो तो नहीं है सर ब्यूटेन एंड प्रोपेन ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है सी फोर एच एट नौ दस दस ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन यूज होता है एंड क्या है प्रोपेन आ, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन तो सही मार रहे हैं कि नहीं एक बार चेक कर लो तो ब्यूटेन तो होता है प्रोपेन भी हो सकता है है ना मिथेन इथेन प्रोपेन मतलब थ्री और ये तीन तीन छो छो दो आठ यस कोई दिक्कत नहीं यस बी इज द करेक्ट आंसर ट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सी एन जी सी एनजी में कौन सा प्राइमरी कंपोनेट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोटो वोल्टे सेल फोटो का मतलब लाइट फोटो का मतलब लाइट वोल्टेजिक सेल का मतलब लाइट एनर्जी एनर्जी इज कन्वर्टेड कन्वर्ट कन्वर्ट इफ लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू

फॉलोविंग इज कॉमनली यूज इज द फ्यूल सेल फ्यूल सेल में कौन सा हम लोग इंधन यूज करते हैं तो सर हाइड्रोजन कहीं नाम दिए थे और याद रखना है सबसे हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू भी होता है हाइएस्ट 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 कैलोरिफिक वैल्यू भी होता है सबसे हाइएस्ट मतलब आपसे पूछे दुनिया का किस ईंधन में सबसे ज्यादा हाइएस्ट कैलोरफिक वैल्यू होता है तो हाइड्रोजन मार के आएंगे कितना एक लाख चौवालीस हजार लगभग डेढ़ लाख के आसपास इसका कैलोरफिक वैल्यू होता है सबसे ज्यादा है बहादुर याद रखना है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए पिछले साल क्वेश्चन पूछा है अब बताओ इसमें हम क्या ही बताएं इतना आसान आसान क्वेश्चन है इज द अल्टीमेट एकदम आराम क्वेश्चन पूछेगा टेंशन नहीं लो जितना गेस क्वेश्चन दिए बच्चा उसको किसी तरह चाट जाओ सब्जेक्टिव पूरा चाट जाओ ऑब्जेक्टिव पूरा चाट जाओ है ना पूरा समय अभी भी आपके पास एकदम है तगड़ा करना क्या है खाली रिविजन करना है जहां मन उन भटके एक दो बार घूम उम लीजिए रूम में ही कस के चिल्ला लीजिए अब फिर पढ़िए है ना वट इज द अल्टीमेट सोर्स कौन सा अल्टीमेट है पानी हो सकता है कहीं किसी मान लीजिए मेरे गांव में पहले एकदम नदी खूब था आज के डेट में वो नदी नाला बन गया तो पानी कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है अल्टीमेट नहीं है सन तो सर जैसे पचास साल पहले था आज भी उसी तरह है तो सन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द मोस्ट इफिशियंट पावर प्लांट इसमें से कौन सा पावर प्लांट सबसे ज्यादा इफिशियंसी देने वाला है तो याद रखना है हाइड्रो पावर प्लांट सबसे ज्यादा इनपुट मतलब तो में तो जलाइएगा तो वहां बहुत सारा हीट बर्बाद भी हो जाता है इसका मतलब वहां वेस्टेज ज्यादा होता है पर हाइड्रो में तो कोई वेस्टेज है नहीं तो हाइड्रो पावर प्लांट का याद रखना है सबसे ज्यादा होता है कितना 85 परसेंट के आसपास हाइड्रो पावर प्लांट का होता है अगर हाइड्रो पावर प्लांट नहीं रहेगा न्यूक्लियर रहेगा तो न्यूक्लियर क्या उसके बाद ज्यादा होता है थर्मल का कम होता है लगभग पच्चीस तक और डीजल का 35% के आसपास होता है तो ये डेटा याद रखिएगा तो कौन सा मारेंगे हाइड्रो है, पावर प्लांट नेक्स्ट बच्चा नेक्स्ट फिर देखिए 2022 में फिर क्वेश्चन पूछा है सब प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन दो साल का है सब डाल दिए सब डाल दिए प्रीवियस ईयर का ठीक है आगे बढ़ जाए नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड इन अरे हाइड्रो पावर प्लांट कहां पर रहेगा तो हाइड्रो पावर प्लांट तो सर कंफर्म है हाइड्रो पावर प्लांट कहां रहेगा तो हाइड्रो पावर प्लांट हीली एरिया में रहेगा कहां पर हीली एरिया तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सोलर कुकर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सनलाइट और सोलर एनर्जी हीट एनर्जी देखिए 2022 में फिर इवन में पूछा पहले वार्ड में पूछा था इवन में पूछा है सोलर कुकर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द सनलाइट इनटू हीट एनर्जी क्या बोल दिया है सोलर कुकर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सनलाइट और सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी क्वेश्चन है है जाली लग रहा बाईस का इवेंट का पूछा है देखो तो सोलर कुकर सोलर कुकर क्या होता है जिसमें खाना पकाते हैं सन के लाइट से अगर हम गर्म करके खाना पकाए सोलर कुकर तो साउंड एनर्जी ना होगा सर ऑफ ऑल ऑफ दब एक गलत हुआ तो ये वाला ऑप्शन है बहुत बच्चा खतरनाक है ऑल ऑफ कहीं देख लेता है तो अगर एक साउंड एनर्जी सोलर कुकर में काहे होगा तो जब साउंड एनर्जी होता ही नहीं है तो ऑल ऑफ ऑप्शन कट गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बनाता नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन बनाता है सोलर प्लेट बनाता है तो थर्मल है है बचा हुआ यस थर्मल इज द करेक्ट आंसर अरे आया समझ में सर इसका पीडीएफ देंगे ग्रुप में डाल देंगे ग्रुप में डाल देंगे ऐप में डाल देंगे दोनों जगह डाल देंगे है ना अगर कोई बच्चा हम लोग के यहाँ का नहीं पढ़ा हुआ है तब तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है कोई दिक्कत का बात नहीं है फिर भी आपको दिक्कत का बात नहीं है आप व्हाट्सअप हमको कर देंगे आप हमको व्हाट्सअप कर देंगे क्या है ना ट्रिपल थ्री नाइन यस आप हमको व्हाट्सअप कर देंगे रोशन सर के नाम से ठीक है आपको भेज देंगे सर यूनिट थ्री का क्लास जरूर कराएंगे एकदम कराएंगे उज्जवल अभी तुरंत आपको ब्रेक एक देना पड़ेगा एक ब्रेक देना पड़ेगा है ना उसके बाद

वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर फ्लैट प्लेट कलेक्टर का मेन काम क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ई तो पीवी सेल कहता है फोटो वोल्टे सेल कहता है ये तो पीवी सेल कहता है हीट स्टोर थर्मल एनर्जी कलेक्शन फोटो वोल्टेज कन्वर्सन अरे बताओगे उन्तीस का तुम ही लोग बताओगे जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो यस कल सिस्टम फाड़ देंगे एकदम फाड़ोगे यार बहुत पड़े हो तुम लोग हमको जरा भी टेंशन तुम लोग के ऊपर नहीं पता नहीं है है पता तुम लोग काहे को रो रहा है, इतना टेंशन में है अरे आधा से ज्यादा तो बी में पढ़ा है तो ऐसे ही हम कॉन्फिडेंस में है तो काहे को टेंशन ले रहा है वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इन सोलर एनर्जी सिस्टम सोलर एनर्जी सिस्टम में फ्लैट प्लेट कलेक्टर का क्या काम होता है पानी को गर्म करना तो खोज लो कुछ है क्या इलेक्ट्रिकल uh, एनर्जी नहीं करता है हीट ए स्टोर स्टोर कहाँ करता है सर फोटो वोल्टेज कन्वर्सन ये तो इलेक्ट्रिकल ये तो लाइट से लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया तो कौन सा है थर्मल एनर्जी कलेक्शन ये इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर थोड़ा देखिएगा अपना भी ऑप्शन मिलाइएगा बी नहीं रे बी हीट स्टोर को नहीं करता है बच्चा थर्मल एनर्जी को कलेक्शन करता है इन विच एप्लीकेशन ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर कॉमनली यूज किस एप्लीकेशन में फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है खाना बनाने में सोलर कुकर स्पेस हीटिंग में गर्म करने में यस न्यूक्लियर पावर जनरेशन ना सर कंप्यूटर प्रोसेसिंग ये सब तो जाली है स्पेस हीटिंग स्पेस हीटिंग गर्म करने में जरूरी थोड़े कि पानी को खाली गर्म करें ठंडा हवा को घुसाएंगे अब गर्म हवा उधर से फेंकेगा ये भी काम करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर यस आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं हम निकल जाएंगे सर ये नहीं क्या बोल रहा है गुलशन आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट बहादुर विच इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखिए 2022 में फिर से क्वेश्चन पूछा है विच इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी अल्टीमेट सोर्स कौन होगा अरे सन होगा मार देंगे सर एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड भी 2022 में फिर से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में एंड आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी हाई कैलोरफिक वैल्यूजी ट्रांसपोर्सिटी और क्या है इजी एसेबिलिटी और ऑल ऑफ द सही है ना सब कुछ होना चाहिए आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हाई कैलोरफिक वैल्यू होना चाहिए आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके इजी आराम से मिल जाए तो ऑल ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस में main constituent कौन सा होगा? Methane हो. मजा आ गया सर। yes. हमको नहीं लग रहा है कि ये सारा का जितना, था, सब डाल इसमें। जितना भी प्रीवियस ईयर का था सब डाल दिया आप बता दो इसमें कोई दिक्कत है तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेगा कॉमन क्वेश्चन रहेगा आप बना देंगे इतना पढ़े हैं तो है ना चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर टू तो ब्रेक दिया जाए अभी जल्दी से एक बार बता दो ब्रेक दे दिया जाए खाना-वना खाने के लिए कि ऑब्जेक्टिव पहले डिस्कस कर ले जल्दी से एक बार रिस्पांस दे दीजिएगा जल्दी से एक बार रिस्पांस दे दीजिएगा सर इसके अलावा वो पूछेगा क्या पूछेगा रे अरे कुछ भी पूछेगा तुम सबका जवाब दे दोगे इतना पढ़े हो तो सर ऑब्जेक्टिव के बाद ब्रेक ठीक है चलो वापस आ जाओ वापस आ जाओ तो यूनिट का करते हैं यूनिट टू का करते हैं बहादुर यूनिट का का करते हैं है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं कोई ब्रेक नहीं आ रहे वेरी गुड बहुत ही बढ़िया सर टरवाइन भी पूछेगा पूछेगा क्या पुछेगा तो क्या दिक्कत है लिख देना टरवाइन क्यों पूछेगा तुम लोग सिलेबस में टरवाइन थोड़े पढ़ना है टरवाइन थर्मल टू में पढ़ना है नेक्स्ट थर्मल टू में टरवाइन पढ़ना है तो नहीं पूछेगा मत पढ़ना मत पढ़ना चलिए नेक्स्ट इन कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर देखिए आपको तीन साइकिल पढ़ना है चार्ट जाइएगा चार्ट जाइएगा इसे कूट दीजिएगा और पी जाइएगा एकदम आएगा ही आएगा तो आपको पता है कार्नोट साइकिल क्या है एक आइडियल साइकिल है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपका प्रेशर हो जाता है ये वॉल्यूम हो जाता है यहां पर आइसोथर्मल एक ऐसे प्रोसेस होगा ऐसे कर्व बना देंगे यहां से थोड़ा इंक्लेनेशन ज्यादा दे देंगे यहां से इंक्लेनेशन ज्यादा देंगे बीएमई में भी पड़े हैं यहां जहां से हीट आता है इसका नाम एक नंबर दे देंगे इसका नाम आप दो नंबर दे देंगे यहां से हीट आएगा क्यू इन और यहां से हीट जाएगा क्यू आउट एक दो तीन चार और डायरेक्शन हमेशा कैसा रहना चाहिए क्लोकवाइज क्लोकवाइज रहेगा तो पावर प्रोड्यूस करके देगा पावर प्रोड्यूस करके देगा एंटी क्लोकवाइज रहेगा तो पावर कंज्यूमिंग करेगा ये कौन सा है आइसोथर्मल है दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल आइसोथर्मल क्या चीज हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये कौन सा है तो सर ये एडियाबेटिक है एडियाबेटिक का दूसरा नाम रिवर्सेबल एडियाबेटिक का दूसरा नाम आइसनट्रोपिक आइसनट्रोपिक क्या चीज है एक्सपेंशन है फिर ये क्या है आइसोथर्मल है आइसोथर्मल क्या है कॉम्प्रेशन है क्योंकि दब रहा है और ये क्या है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है तो कार्नोट साइकिल हीट कैसे आ रहा है हीट कैसे आ रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर देखो thermal, थर्मल आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है आइसोथर्मल में आइसोथर्मल में आइसोथर्मल में हम लिख देते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात हिल गया ठीक है ध्यान दीजिएगा दो तीन प्रोसेस तो रट जाइएगा पहला आपको आइसोथर्मल है आइसोथर्मल आइसोथर्मल में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्या चीज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कांस्टेंट होता है ठीक है ये पहला याद रखिएगा दूसरा आइसोकोरिक में आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्या चीज रहता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक में तीसरा आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है और चौथा एडियाबेटिक में सबको पता है एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट रहता है हीट कांस्टेंट रहता है तो नाम याद रखिएगा बच्चा तो कार्नोट साइकिल में हीट कैसे एडिशन होता है आइसोथर्मल आइसोथर्मल में क्या होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अच्छा कार्नोट साइकिल में हीट किधर से रिजेक्ट होता है तो अब ऐसा भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि कार्नोट साइकिल में हीट किधर से रिजेक्ट होता है तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन मतलब टेम्परेचर में ही होता है याद रखेंगे वन का सी रटना नहीं है रटना नहीं यस कांस्टेंट प्रेशर ओटो में बड़ी मार मारेंगे महेश कांस्टेंट वॉल्यूम अरे बर्बाद कर दोगे महेश तुम हमको यस yes. अच्छा कार्नोट साइकिल में और क्या नॉलेज हुआ तो कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पर काम करता है पहला याद रखिएगा दूसरा कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसका इफिशियंसी सबसे ज्यादा माना जाता है तीसरा बात याद रखिएगा कार्नोट साइकिल दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है रट जाइएगा कार्नोट साइकिल में हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकल जाता है ये रट जाए। है कार्नोट साइकिल साइकिल एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक है कोई मशीन उस पर काम नहीं करता है इतना बात याद रखना है फिर याद रखना है किस साइकिल का इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है तो कार्नोट का रहता है तो देखो आठ गो क्वेश्चन यहीं पर हम बता दिए रट जाना इसको ठीक है ये yes, आइडियल होता है चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर नेक्स्ट क्वेश्चन खाली सुनिए मत जो बोल रहे हैं वो छह सात क्वेश्चन को बनाने लायक होगा हम एक क्वेश्चन कार्नोट का लेके आए पर आपको आठ को क्वेश्चन का आंसर बता दिए नेक्स्ट हीट इंजन रिसीव इतना किलो जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सॉरी क्या बोल रहे हजार किलो जूल ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस साठ किलो जूल ऑफ वर्क 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 द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल एंड इफिशेंसी पूछ रहा है देखो कभी भी हीट इंजन का बात हुआ तो एको इंजन बना दो इंजन को जहां से ताकत मिल रहा है उसको सोर्स कहते हैं और यहां का हीट एनर्जी कितना मिल रहा है ये आपका सोर्स हो गया सोर्स हो गया यहां से जो एनर्जी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है दिस इज कॉल्ड क्यू इन एक हजार एक हजार किलो जूल इंजन क्या करेगा तो इंजन सर वर्क करेगा इंजन क्या करेगा वर्क करेगा वर्क कितना दिया हुआ है छ सौ जूल और यहां से क्या करेगा सिंक में छोड़ेगा जिसको रिजेक्ट कहते हैं रिजेक्ट कहते हैं, रिजेक्ट कहते कहते हैं हैं तो यहां कंजर्वेशन से क्या पता चला कि सर इन दिए होंगे हुआ होगा और Q आउट हुआ होगा Q आउट हो गया दिस इज कॉल्ड Q आउट रिजेक्ट करना तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है तो एक हजार रुपया तुमको हम दिए एक हजार रुपया दिए तुम क्या किया 600 रुपया का कुछ काम कर लिया तो बचा तुम्हारे पास कितना दिस इज कॉल क्यू आउट सर चार सौ रुपया बचा तो चार सौ कौन सा ऑप्शन है इ दोनों तो जाली है खत्म हो गया 600 सौ वाला ऑप्शन है खत्म चार सौ हो गया अब इफिशियंसी का बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या होता है वर्क बटे हीट इन वर्क बटे हीट इन तो छो दिया हुआ है एक हजार यहां है इफिशियंसी हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं तो यहां से एक दो एक दो यहां से कट गया सर सिक्सटी परसेंट और चार सौ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऐसा क्वेश्चन रटिएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन रटिएगा नहीं सीखिए बना कैसे रहे क्योंकि डेटा कुछ भी चेंज कर सकता है डेटा कुछ भी चेंज कर सकता है बता दो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बहादुर बच्चा को जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए बच्चा समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा इतना टाइप कर रहे हैं तो एक बार यस भी लिख दीजिए जल्दी से एक बार बता देंगे रटना नहीं है बच्चा हम जो तरीका बता रहे बस उसको सुनिए सब ऑब्जेक्टिव बनेगा हमको पूरा विश्वास है ऑब्जेक्टिव आपका बीस में बीस लड़ेगा तो लड़ेगा ठीक है किसी सब्जेक्ट में नहीं लड़ा हमको उससे मतलब नहीं इस सब्जेक्ट में लड़ेगा सर सब मुझे घेरने के लिए प्लान कर रहे अरे मुकेश कुमार तुमको कौन घेरेगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर यस yes, फास्ट थोड़ा और कर दीजिए हम अपना चाचा को बोल देंगे अरे महेश बड़ी मार मारेंगे आगे बढ़ जाए नेक्स्ट द मैक्सिमम इफिशेंसी दैट ए हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन ए टेम्परेचर ऑफ इतना डिग्री सेल्सियस एंड इतना डिग्री सेल्सियस अब देखो डेटा कुछ भी चेंज कर सकता है इफिशियंसी का बात हुआ कोई इंजन रहे पेट्रोल रहे डीजल रहे टू स्ट्रोक रहे फोर स्ट्रोक रहे कार्नोट साइकिल रहे ऑटो साइकिल रहे डीजल साइकिल इफिशियंसी का एक फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट और बटे हीट सप्लाई पूरे थर्मल में यही एक फॉर्मूले ही है है ना तो क्या कह रहा है कि आपके पास कोई इंजन है उस इंजन को जहां से एनर्जी मिलेगा जहां से हीट मिलेगा उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा तो T1 का मान कितना है 327 डिग्री सेल्सियस बस यही याद रखना यही याद रखना कि थर्मल में अगर कोई भी न्यूमरिकल दे ऑब्जेक्टिव में भी दे सब्जेक्टिव में दे अगर डिग्री में है तो उसको कैलविन में कन्वर्ट कर लेना डायरेक्ट नहीं बनाना नहीं तो शहीद हो जाओगे तो इसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे कितना थ्री टू सेवन प्लस दो सौ तिहत्तर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा सात और ये दस सात आठ नौ और ये दस और तीन दो 600 कैलवीन आ गया और निकाल कितना रहा है रिजेक्ट कितना कर रहा है तो ये रिजेक्ट कर रहा है टी टू बराबर टी टू बराबर सताइस डिग्री सेल्सियस इसको भी कन्वर्ट कर दो सताइस प्लस दो सौ तिहत्तर दिस इज कॉल कितना तीन सौ अब आपसे पूछ क्या रहा है इफिशियंसी पूछ रहा है तो इफिशियंसी का एक ये फॉर्मूला होता है और इफिशियंसी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है किसी भी इंजन के लिए किसी भी साइकिल के लिए कौन सा तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ज्यादा टेम्परेचर यही रट जाइएगा पूरे दुनिया का कोई वो साइकिल हो कोई भी इंजन हो सब का फॉर्मूला यही होता है और इसी से सब बनता भी है ठीक है तो ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर कितना छ कम कितना तीन और डिवाइडेड बाई कितना और कितना तो सौ कितना हो गया 600 में 300, 300, तो ये हो गया तीन सौ डिवाइडेड बाई छो कट गया एक बटे दो एक बटे दो अगर कोई है ऑप्शन तो मार दो यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रटना नहीं है, तरीका सीखिए क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमरिकल जरूर रहेगा बहादुर जल्दी से एक बार बता दो तो फिर मजा ही आ जाएगा जल्दी से एक बार बता दो फिर मजा ही आ जाएगा आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर पानी मत पीजिए अरे दो घंटा से तो कंटिन्यू चिल्ला ही रहे मार दोगे क्या जान शहीद करा दोगे जी पी जहानाबाद सर ऐड बंद कर दिए ऐड कहाँ आ रहा है जो बंद कर दे अरे ठीक है सर को हम बोल देंगे अभी तुरंत बोल देंगे पता नहीं हम ऐड वुड नहीं लगाते हैं हम तो खुद ही नहीं चाहते हैं कि आप लोग को पढ़ाई के समय ऐड आए कुछ आए अभी बंद करा देंगे टेंशन ना लो नेक्स्ट क्लास जो लेंगे ऐड बंद रहेगा ठीक है ठीक है ठीक है हम करवा देंगे अरे अभी उससे क्या वो पता नहीं हम लोग नहीं उतना जानते हैं बहुत बड़ा आदमी तो है नहीं जो यूट्यूब चला रहे हैं सर आपको शहीद नहीं होने देंगे वेरी गुड बच्चा आगे बढ़ जा रहा है नेक्स्ट द इफिशियंसी ऑफ कार्नॉट साइकिल कार्नॉट साइकिल का इफिशेंसी क्या चीज पर डिपेंड करता है सर अभी तो आप बताएं कार्नॉट या दुनिया का कोई और साइकिल का इफिशंसी वर्क इनपुट सॉरी वर्क आउटपुट कितना कर रहा है हीट कितना दे रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है मिनिमम टेम्परेचर कितना उस पर काम करता है तो वर्किंग सब्सटेंस नहीं सर इंजन डिजाइन नहीं नहीं सर नहीं, सर स्टैटिक साइकिल टेम्परेचर वेरी गुड नेक्स्ट ऑटो साइकिल इज आल्सो नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना है ऑटो के बारे में क्या क्या हम लोग जानते हैं ऑटो के बारे में क्या क्या जानते हैं निकलस अगस्ता ऑटो के बारे में तो पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन और पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है बहादुर ऐसा इंजन है पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है ऐसा इंजन जिस साइकिल पर काम करता है उसको हम लोग ऑटो साइकिल कहते हैं ऑटो साइकिल कहते हैं वर्क ऑन वर्क ऑन ऑटो साइकिल ऑटो वर्क ऑन ऑटो साइकिल ठीक है और ऑटो साइकिल क्या होता है तो याद रखना है प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम सबसे पहला यहाँ पर एक वो सीधा लाइन खींच दो सीधा लाइन खींच दो यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच दो दो लाइन खींच देना इसको कर्व से मिला देना सीधा लाइन मत खींचना सही हो जाओगे और यहां भी कर्व से मिला देना इसका नाम एक नंबर इसका नाम दो नंबर इसका नाम तीन नंबर इसका नाम चार नंबर नंबर कहीं से भी दे सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है बुक में कोई यहां वन टू देगा तो वो भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं याद रखना है पूरे थर्मल में हम ज्यादा जो प्रोसेस यूज करते हैं फास्ट प्रोसेस यूज करते हैं एडियाबेटिक करते हैं तो अगर वॉल्यूम कम होगा अच्छा ये भी याद रखना है पूरे साइकिल में हम लोग के साइकिल में हीट इंजन में हमेशा जो साइकिल का तीर होगा वो क्लोकवाइज होगा ये देखिए क्लोकवाइज होगा तो जोश में कभी एंटी क्लोकवाइज मत चिपका देना ठीक है ये एडियाबेटिक होता है ये एडियाबेटिक होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट आता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट निकल जाता है ठीक है और ये भी आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया तो याद रखना है ओटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज चूंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में हीट आया और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में हीट गया इसलिए इसका नाम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं सर टी टी वी डायग्राम भी बता दीजिए टी वी डायग्राम भी टी एस डायग्राम यहाँ देख लो ये आपका टेम्परेचर हो गया ये इंट्रॉप बस इस यहाँ पर देखो इस यहाँ पर एक मिरर लगा दो मिरर है ना यहाँ पर मिरर लगा दो और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बना दो बस ये देखो डुप्लीकेट बना दो दिमागे कुछ ना लगाओ बस डुप्लीकेट बना दो ये यह देखो यहाँ से स्टार्ट करो वन टू थ्री फोर फिर एरो दिखा दो काम खत्म बस मिरर इमेज बना दो हो गया टीएस डायग्राम दिमाग नहीं लगाना हालांकि इसको बताएंगे जब लॉन्ग आंसर टाइप का रिवीजन कराएंगे तो उसमें फिर से बताएंगे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग चलिए नेक्स्ट डीजल डीजल साइकिल साइकिल कंसिस्ट ऑफ में क्या होता है तो यहां देखो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देख लो यहां प्रेशर है यहां वॉल्यूम है ए को सीधा लाइन ऐसे देना जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और एक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसको ऐसे मिला दीजिए कर्व से मिला दीजिए ठीक यहां से वन टू थ्री फोर यहां से हीट आता है यहां से हीट जाता है ठीक ये वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट होगा वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट होगा यहां पर प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट होगा ये तीर दिखा दीजिए इसको कहेंगे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन इसको क्या कहेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है तो साइकिल क्या है तो दो एडियाबेटिक और एक आइसोकोरिक आइसोकोरिक सॉरी आइसोकोरिक और आइसोबारिक का कंबिनेशन है तो कौन सा हो गया टू कांस्टेंट वॉल्यूम ना सर ये तो ना होगा टू कांस्टेंट प्रेशर ये भी ना होगा टू कांस्टेंट प्रेशर ये भी ना होगा वन कांस्टेंट प्रेशर यस वन कांस्टेंट प्रेशर वन कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसनट्रॉपिक प्रोसेस आइसनट्रॉपिक प्रोसेस आइसनट्रॉपिक प्रोसेस देख लो बच्चा सही है ना अरे गजब तुम लोग सब तेज हो गए हो ऑटो साइकिल इज ऑटो साइकिल क्या है तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम लोग किस फ्यूल को माध्यम मान के पूरा पढ़ाई करते हैं एयर को लेके तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल किसका एसआई SI इंजन का एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ एसआई इंजन क्यों पेट्रोल इंजन में यूज होता है पेट्रोल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो साइकिल होता है उसी को एसआई SI इंजन कहते हैं पेट्रोल इंजन का दूसरा ही नाम है यस वेरी गुड बहुत ही बढ़िया इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट इन अ फोर स्ट्रोक इंटरनल कंबसन इंजन फोर स्ट्रोक इंटरनल कंबसन इंजन में एक बार बता देंगे साउंड आ रहा है ठीक से थोड़ा माइक खिला है इसलिए पूछ रहा हूं आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए बहादुर लोग यस वेरी गुड आगे बढ़ जाए देख लो बहादुर देख लो जल्दी से देख लो आगे बढ़ जाए हम लोग चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहींबसन इंजन द पिस्टन डस फोर कंप्लीट अरे फोर स्ट्रोक में क्या होता है तो पिस्टन जो है ये आपका फोर स्ट्रोक इंजन है ये देखिए ये आपका फोर स्ट्रोक इंजन है तो पिस्टन के बार ऊपर नीचे करेगा चार बार करेगा एक दो तीन चार चार बार करेगा चार स्ट्रोक बनाएगा है ना और कितना सर्कल मारेगा एक दो यहां पर देख लीजिए कितना मारेगा एक ये हो गया दो ये हो गया दो सर्कल बनाएगा तो द पिस्टन डस फोर कंप्लीट स्ट्रोक विद द सिलेंडर फॉर इच साइकिल द क्रैंक साफ्ट कंप्लीट टू ये देखो क्रैंक साफ्ट दो चक्कर क्रैंक साफ्ट क्रैंक साफ्ट दो चक्कर मारेगा और पिस्टन चार बार ऊपर तो बोथ है क्या यस बोथ इज द करेक्ट आंसर बोथ ऑफ द मेंशन जो ऊपर में लिखा है वही होगा यस yes, सही है नेक्स्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक फॉर द फोर स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन में सही सीक्वेंस कौन सा है तो सर मजा आ गया ही तो फोर स्ट्रोक इंजन में सबसे पहला इंटेक भी, भी होता है फिर कॉम्प्रेशन होता है फिर एक्सपेंशन होता है एक्सपेंशन का बहुत सारा नाम है पावर वर्किंग और लास्ट में एग्जॉस्ट होता है तो इंटेक याद रखना है इंटेक इंटेक का नाम क्या है सक्सन होता है सक्सन तो पहला क्या होता है सक्सन

एग्जॉस्ट यस डी इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर नौ का डी नौ का डी नौ का डी सब सही बता रहा है यस अरे गजब वेरी गुड वेरी गुड व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पिस्टन इन द आईसी इंजन अच्छा आईसी इंजन में पिस्टन का क्या काम होता है तो पिस्टन क्या करता है रेसिप्रोकेट करता है यही मेन काम है अब ऑप्शन देख लीजिए इग्नाइट द फ्यूल फ्यूल को जलाने में तो काम नहीं करता है खत्म कहानी कन्वर्टिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द रोटरी मोशन रुकते हैं रेगुलेट फ्यूल फ्लो फ्यूल का ले जाना ले आने से कोई इसका मतलब ही नहीं है कूलिंग सिस्टम में काम नहीं बेस्ट ऑप्शन क्या है तो कन्वर्टिंग जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में करना अब आपसे कोई पूछता कि क्रैंक साफ्ट का क्या काम है तो क्रैंक्साफ्ट का काम है रोटरी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में तो ऑप्शन देखिए कि कहना क्या चाह रहा है बात समझे कुछ बच्चा हमको बोला था कि सर हम, हमारे टीचर ऐसे ऐसे बताए तो आप देखिए ना कि ऑप्शन यहां क्या बोल रहा है यहां पर ऑप्शन क्या है फ्यूल का जलाना तो नहीं होगा बात समझे तो यहां पर ऑप्शन आप देख लीजिए कोई दिक्कत कोई परेशानी चलिए नेक्स्ट द डिवाइस दैट रेगुलेट द एयर फ्यूल सप्लाई एयर और फ्यूल के सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है बिफोर इंटरिंग द कंबस चैंबर तो सब लोग जानता है कार्बोरेटर जहां एयर फ्यूल होगा कार्बोरेटर कहां लगा होगा यूज इन पेट्रोल इंजन यूज इन यूज इन पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन और पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है ऐसा इंजन पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है ऐसा इंजन तीसरा नाम क्या है बहादुर गैसोलीन इंजन अगर सब लिख दिया तो समझ जाना एक चीज है एक ही चीज है ठीक है तो ये मार देंगे टर्बो चार्जर नहीं टर्बो चार्जर का काम होता है हवा हवा को खींचना है ना जो एग्जॉस्ट गैस होता है उसकी मदद से हवा खींचते विच मेटेरियल अच्छा, मेटेरियल से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आएगा इसलिए सब बच्चा मेटेरियल वाला जरूर देख लेना विच मेटेरियल इज कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द क्रैंक साफ्ट क्रैंक साफ्ट को बनाने के लिए किस मेटेरियल का यूज करते हैं आईसी इंजन में अल्यूमिनियम हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया कास्ट आयरन हो गया टिटेनियम तो होगा नहीं अल्मोनियम इतना हल्का यूज नहीं करते हैं कास्ट आयरन और स्टील का बात होता है आई होप बारह का सीज द करेक्ट आंसर बारह का बी कोई बता रहा है क्या कास्ट आयरन अरे स्टील 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 अरे कास्ट आयरन तो इंजन का सिलेंडर रहता है इंजन का ब्लॉक रहता है साफ़ नहीं रहता है एक बार जरा चेक कर लो तो बारह का आई थिंक स्टेनलेस स्टील ही होता है बारह का बारह का चेक कर लो कोई बच्चा कोई गूगल मारो ना फटाफट पिस्टन रिंग हाँ पिस्टन रिंग कास्ट का होगा पिस्टन रिंग कास्ट का होगा सिलेंडर कास्ट का होगा सिलेंडर ब्लॉक कास्ट का होगा का पर आपका जो साफ्ट है ना ये आपका स्टेनलेस स्टील ओहो माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना अरे तो बर्तन बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील समझ लेते माफ करना एकदम यस कास्ट आयरन मारिए अगर स्टील रहता तो स्टील को ज्यादा महत्व देते यहां पर जाली कर दिया हम भी फंस गए स्टेनलेस स्टील तो बर्तन है। अगर यही पर आपका सिर्फ लिखा, या सिंपल स्टील लिखा हाँ हाँ। स्टेल, गलती हो गया स्टेनलेस स्टील तो बर्तन में यूज करते हैं ठीक है चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी yes. बारह का बीस द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट द पिस्टन इन द आईसी इंजन टिपिकली मेड ऑफ पिस्टन 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 है ना तो ये आपका सिलेंडर हो गया ये आपका सिलेंडर हो गया सिलेंडर किसका बना हुआ होगा तो कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक भी किससे बना होगा कास्ट आयरन का कंप्रेशन रिंग भी किससे बना होगा कास्ट आयरन का बना होगा पिस्टन हल्का है भारी रख दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा हल्का जो मटेरियल होगा एलवाइस का यूज करेंगे तो ये पिस्टन किसका बना होगा तो आई होप अल्मोनियम का होगा पिस्टन अल्मोनियम एलवाइस द करेक्ट आंसर सही है ठीक है कनेक्टिंग रॉड इज ऑफ एन एकदम मटेरियल से रिलेटेड एक वो क्वेश्चन तो जरूर रहेगा कनेक्टिंग रॉड इन एन आईसी इंजन इज मेड फ्रॉम कनेक्टिंग रॉड किससे बना होगा कास्ट आयरन नहीं अरे कनेक्टिव रॉड में क्या होता है जिसमें टेंसाइल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स लगेगा उस स्टील मतलब माइल्ड स्टील बेस्ट होता है तो स्टील मार के आइएगा स्टील इज द करेक्ट आंसर स्टेनलेस नहीं स्टेनलेस नहीं सर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए अरे बहादुर इंडस्ट्रियल का कुछ नहीं करवा पाएंगे हम ऑब्जेक्टिव और ये भेज देंगे सब क्वेश्चन करा देंगे बहुत लगातार जितना एग्जाम आप लोग का हो रहा था उससे ज्यादा मेहनत हम लोग करते थे किसी दिन आपका एग्जाम हो रहा है तो दूसरे सेमेस्टर में जूनियर का हो रहा है कोई सीनियर लोग का बहादुर नेक्स्ट द एयर स्टैंडर्ड इफिशंसी का इफिशियंसि का फॉर्मूला वन माइनस वन बटे आर और ये होता है गामा माइनस वन जहां पर आर को क्या कहते हैं दिस इज कॉल कॉम्प्रेशन रेशियो कौन सा रेशियो बहादुर तो आर को कहते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो कॉम्प्रेशन आर को क्या कहते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो कहते हैं आर को क्या कहते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो और ये क्या होता है स्ट्रोक्स वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम होता है है ना और अगर पेट्रोल इंजन है तो कॉम्प्रेशन रेशियो 6 से 12 लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल के लिए पेट्रोल के लिए पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए और डीजल के लिए हम लोग कितना लेते हैं डीजल के लिए कंप्रेशन रेशियो 15 से लेके 20 तक नहीं तो 16 से लेके 22 तक ये कोई भी डेटा आ सकता है तो कौन सा सही होगा तो ऑप्शन वन माइनस वन आर गामा माइनस वन यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अच्छा गामा को क्या कहते हैं इसका वैल्यू वन पॉइंट फोर होता है एयर के लिए किसके लिए हवा के लिए और गामा होता क्या है तो सर गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी होता है जिसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपा रेशियो रेशियो होता है जिसको सीपीसी भी कहते हैं और ये एडियाबेटिक इंडेक्स होता है तो एयर के लिए कितना पिस्टन जो है वह अल्मोनियम का बना देखिए दो में क्वेश्चन पूछा है पिछले बार इंजन पिस्टन जो है वो अल्मोनियम एलवाइस का बना हुआ था क्यों रहता है लाइटर इन वेट वियर कम करे घर्षण कम करे एब्जॉर्ब शौक झटका को महसूस करे और मजबूत होता है बता देंगे इसमें से कौन सा सही है यस वेरी गुड लाइटर होता है हल्का होता है हल्का होता है हल्का होता है यस वेरी गुड सत्रह का सी अरे एब्जॉर्ब मत करना सही हो जाओगे लाइटर इन वेट लाइटर इन वेट लाइटर इन वेट लाइटर इन वेट आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट द टू स्ट्रोक इंजन इज डैश द फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन क्या होगा धुआं ज्यादा छोड़ेगा फ्यूल का बर्बादी बहुत ज्यादा करेगा तो इफिशियंसी ज्यादा नहीं होगा तो टू स्ट्रोक इंजन इज लेस इफिशियंट लेस मारो ना लेस मारो लेस मारो लेस मारो ठीक है क्लियर है लेस इफिशियंट पावर ज्यादा होगा पावर ज्यादा होगा एक के बार घूमेगा पावर स्ट्रोक बना देगा पावर ज्यादा पर इफिशियंसी कम ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ ऑटो साइकिल क्या क्या चीज का कंसिस्ट होता है तो ऑटो साइकिल यहां पर देखिए वॉल्यूम 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 तो यहां एक दो तीन चार ये वॉल्यूम हो गया तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो दो रिवर्सेबल yes, दो कोरिकोरिक आइसोकोरिक कोरिक आइसो कोरिक आइसोकोरिक में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और दो रिवर्सेबल एडियाबेटिक तो 18 का 20 द करेक्ट आंसर 18 का 20 द करेक्ट आंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए लेके आया हूं जरा सा इसको रट जाने ठीक है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो अगर कंप्रेशन रेशियो सेम होगा एंड सेम हीट एडेड और हीट भी हम सेम दे रहे हैं मतलब पेट्रोल इंजन का गाड़ी है डीजल इंजन का गाड़ी है ड्यूएल इंजन का गाड़ी है कंप्रेशन रेशियो सबका सेम है और सब में हीट भी सेम दे रहे हैं। तो बताइए किसका ज्यादा होगा याद रखना है अगर कॉम्प्रेशन रेशियो का बात सेम होगा कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होगा अगर क्वेश्चन में दिया है कि सेम है तो इफिशियंसी ऑटो का ज्यादा होगा फिर इफिशियंसी डुएल का होगा और सबसे कम इफिशियंसी डीजल का होगा ये डेटा याद रखिएगा तो कौन सा है

इसको चार्ट जाने का है इसको चार्ट जाने का है ठीक है इसको चार्ट जाने का है देखो क्या कह रहा है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडेड अगर कंप्रेशन रेशियो सेम होगा अगर कंप्रेशन रेशियो सेम होगा और हीट एडेड भी सेम होगा तो ऑटो का ज्यादा होगा ड्यूल का कम होगा और डीजल का सबसे कम होगा फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्टेड हीट आ रहा होगा हीट जा रहा होगा दोनों केस के लिए Auto का ज्यादा डुएल मतलब अगर कॉम्प्रेशन रेशियो सेम है, है हीट हीट आ रहा है या जा है तो ओटो का ज्यादा इफिशियंसी डुएल का उसके बाद फिर सबसे कम इसका अच्छा फॉर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर अगर टेम्परेचर सबका मैक्सिमम टेम्परेचर सबका सेम है एंड हीट रिजेक्टेड और हीट रिजेक्टेड आपका जा रहा है तो याद रखना है डीजल का ज्यादा होगा उसके बाद डुएल होगा ओटो होगा कब जब सेम मैक्सिमम टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा तब फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट तो डीजल का ज्यादा रहेगा रहे फिर का रहेगा सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट आउटपुट बस अब तो रटा गया सर रटा गया अगर कहीं भी कंप्रेशन रेशियो लिखा रहेगा अगर कहीं भी कंप्रेशन रेशियो लिखा रहेगा ऑटो सबसे ज्यादा फिर डुएल फिर डीजल और अगर सर प्रेशर लिखा है लिखा है तो सबसे सॉरी डीजल सबसे ज्यादा फिर फिर ऑटो हमेशा बीच में रहेगा फिर से रिपीट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा है इस साल भी पूछेगा घुमा घुमा के पूछेगा तो ठीक है तो अगर कंप्रेशन रेशियो का बात होगा तो ऑटो को सबसे पहले रखेगा फिर डुएल को फिर डीजल को अगर टेम्परेचर का बात करें प्रेशर का बात करे, हीट आ रहा हो हीट जा रहा हो तो डीजल को पहले रखिएगा डुएल बीच में रहेगा और ऑटो बाद में रहेगा तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कहे कि आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता दिया हूं कि याद कैसे रखना है तो याद के लिए भी आपको तरीका बता दें बाकी बात अभी पीडीएफ हम भेज देंगे आप देख लीजिएगा बता दो कि नहीं समझे बहादुर कंप्रेशन रेशियो अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया तो ऑटो को पहले रखेंगे ड्यूल बीच वाला होता है तो बीच में रखेंगे और डीजल बाद में टेंपरेचर का बात हो प्रेशर का बात हो हीट एडेड का बात हो कुछ भी बात हो तो हम डीजल को पहले रखेंगे ड्यूल बीच में रहेगा और आपका जो ऑटो है वो लास्ट में रहेगा एक बार बता दो समझे कि नहीं समझे हां बोल दो जल्दी से नहीं समझे तो फिर से बता दो नेक्स्ट इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल का मैक्सिम कहा होता है गैस इंजन के लिए पेट्रोल इंजन के लिए स्टीम इंजन के लिए रिवर्स इंजन स्टीम इंजन में तो कार्नोट काम नहीं करता वो तो रैंकाइन करता है पेट्रोल इंजन में ऑटो काम करता है गैस इंजन में ब्रेंटन साइकिल काम करता है तो रिवर्स इंजन ही इज द बेस्ट आंसर ठीक है इसमें तो ऑटो काम करता है इसमें तो स्टीम इंजन रैंकाइन काम करता है ठीक इसमें कौन है ब्रेंटन ब्रेंटन साइकिल काम करता है आगे बढ़ जाएं यस नेक्स्ट फॉर ए कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर देख लो फिर आ गया क्वेश्चन आ गया हम जान रहे थे आएगा फॉर मैक्सिमम कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट इनपुट एयर स्टैंडर्ड इफिशंसी ऑफ साइकिल आप ही लोग बताओ हम ना बताएंगे फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट किसका होगा तो आप जानते हो डीजल डुएल बीच में रहता है और ऑटो ऑप्शन डीजल डीजल साइकिल डुएल साइकिल ऑटो यस वेरी गुड द प्रैक्टिकल और थ्योरिटिक सॉरी द प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल उपयोग में जो लाते हैं थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन थर्मल इफिशियंसी डीजल इंजन का कितना होता है तो याद रखना है पैंतीस से पचास परसेंट के बीच में होता है और यह आपका ही होता है थ्योरिटिकली अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा अगर थ्योरिटिकली क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि थ्योरिटिकली डीजल इंजन का कितना होता है तो सत्तर परसेंट मार के आएंगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 30 परसेंट पचास परसेंट दोनों ऑप्शन रहता है तो उसको मार के आएंगे पर अगर 30 है और 50 है और 70 है तो फिर 70 को ही मार के आएंगे और पेट्रोल का याद रखना है पेट्रोल का याद रखना है 20 से 25 परसेंट होता है पेट्रोल का याद रखना है 20 से 25 होता है और डीजल का याद रखना है किसी किसी बुक में पैंतीस से पचास दिया रहता है तो ये मार आइएगा अगर मान लो अलग अलग ये रेंज नहीं दिया है तो फिर सत्तर ही मार के आइएगा तब सत्तर मार के आएगा कब जब थ्योरिटिकल लिखा रहे और अलग अलग करके लिखा रहेगा तो फिर आप मत मारिएगा सत्तर मार के आइएगा ये ज्यादा सही रहता है नेक्स्ट है बहादुर डीजल साइकिल इज आल्सो नोन एज डीजल साइकिल इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों कांस्टेंट प्रेशर में हीट आता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में चला जाता है ये देखिए क्यू इन तो जिसमें आता है उसी को इज्जत देते हैं तो प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल तो ऑटो हो जाता है ऑटो हो जाता है ये क्या होता है डीजल हो जाता है ठीक है, क्या होता है? ये हो जाता है खत्म कहानी डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होगा बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट तो डीजल इंजन का डीजल का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है तो सर 15 से 20 22 तक या सोलह से बाईस तक रहता है और पेट्रोल का कितना रहता है कॉम्प्रेशन रेशियो छ से बारह रहता है तो रेंज आसपास जो होगा उसको मार दीजिएगा दीजिएगा यस रेंज में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा तो मार इन डीजल साइकिल हीट एडेड डीजल साइकिल में हीट कैसे ऐड होता है एक दो तीन ये वॉल्यूम है प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन इन डीजल इंजन अरे एंड ऑफ कॉम्प्रेशन कितना होता है याद रखना है बहादुर यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मिनट थोड़ा सा शांत होकर सुनिएगा ठीक है क्या कह रहा है कि डीजल इंजन का बात हो रहा है या पेट्रोल इंजन का किसी का भी बात हो रहा है देखिए जब आपका सक्सन प्रोसेस होगा जब सक्सन प्रोसेस होगा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ये एटमोस्फरिक है एटमोस्फरिक है ठीक है जब जब प्रोसेस प्रोसेस होगा, होगा, सुनिएगा बात को, जब सक्षन प्रोसेस होगा, तो इंजन के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा बाहर क्या होगा ज्यादा होगा अरे अंदर प्रेशर वैक्यूम होगा कम होगा तभी तो आराम से फ्यूल आ जाएगा पर जब एग्जॉस्ट प्रेस प्रोसेस होगा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर का क्या होगा कम होगा तभी तो धक्का मार के बाहर से निकाल देंगे तो याद रखना है कि जब प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन कितना रहता है सबसे ज्यादा रहता है पैंतीस बार के आसपास रहता है और टेम्परेचर कितना रहता है टेम्परेचर लगभग दो डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है दो डिग्री से ऊपर रहेगा सर कब तक क्लास चलेगा बस दस मिनट और लेंगे पांच मिनट लेंगे बस एक ब्रेक देंगे ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे ठीक है सब लोग टच में रहिएगा व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कर देंगे फिर से क्लास लेंगे लगातार तीन चार क्लास लेते रहेंगे जब तक समाप्त नहीं करेंगे लंबा लंबा क्लास लेने से अच्छा है थोड़ा ब्रेक ब्रेक दे दे पेट्रोल इंजन कितना होता है गवर्न बाइक सॉरी द एयर फ्यूल रेशियो सॉरी द एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल कौन करता है फ्यूल पंप नहीं करता है गवर्नर नहीं करता इंजेक्टर नहीं करता है, कौन करता है कार्बोरेटर करता है कार्बोरेटर किसमें लगा हुआ रहता है पेट्रोल इंजन में लगा रहता है पेट्रोल इंजन में लगा रहता है कितने रेशियो में मिक्स करता है तो चौदह पॉइंट करता है ये ये एकदम करेक्ट करेक्ट है ये सबसे करेक्ट है है सबसे ऑप्शन पर अगर मान लीजिए दिया है, तो किसको मार के आएंगे पॉइंट वन सबसे करेक्ट कौन सा होता है चौदह चौदह पॉइंट एट इज वन ये सबसे करेक्ट आंसर है याद रखना है ये सबसे करेक्ट है अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो यह किसके बराबर है पंद्रह इज टू वन मार के आएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फोर स्ट्रोक इंजन द कैम साफ्ट रोटेट एट डैश ये ये आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इन अ फोर स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन में द कैम साफ्ट रोटेट एट हाफ ऑफ द क्रैंक साफ्ट स्पीड हाफ कहीं ऑप्शन है यस yes. याद रखना है कैम साफ्ट कैम साफ्ट कैम साफ्ट का क्या काम होता है इनलेट भल्व और आउटलेट भल्व को खोलने में काम आता है तो कैम का जो स्पीड होता है वह आधा होता है क्रैंग साफ्ट क्रैंग साफ्ट स्पीड क्रैंग साफ्ट स्पीड याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है ये 2023 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का ये क्वेश्चन है हजार साइकिल कंसिस्ट ऑफ ये 2023 का क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है कारनॉट साइकिल कंसिस्ट ऑफ तो पढ़ के तो आए हैं दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ये सब तो बता ही दिया हूं मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आईसी इंजन सिलेंडर इज कितना दो तो हजार से लेकर पच्चीस सौ डिग्री सेंटीग्रेड तक इफिशियंसी पेट्रोल इंजनप्रेशन रेशियो इज नो एंड स्पेसिफिक हीट इज वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू सब बच्चा कैलकुलेटर निकाल के बत्तीस का खुद से बनाओ बत्तीस का खुद से बनाओ सर गवर्नर से रेगुलेटर में एयर इन करता है अरे गवर्नर का तो मेन काम होता है ना लोड इंजन पर बढ़ता है तो फ्यूल के सप्लाई को बढ़ाता घटाता है जिससे कि स्पीड उसका मेंटेन रहे ये काम होता है सब पढ़िएगा टॉम में पढ़िएगा काहे को टेंशन ले रहे हो नेक्स्ट सेमेस्टर में तो सब पढ़ाएंगे ही नेक्स्ट सेमेस्टर बहुत खतरनाक दो पेपर मेरे हाथ में रहेगा बच्चा दोनों न्यूमेरिकलस है और आप मेरे से इतने दिन पढ़े तो आपको पता ही चलता है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कितना डिफरेंट होता है समझाने का जो तरीका होता है वो दुनिया का सबसे आसान तरीका होता है चलिए जल्दी से बताइएगा जल्दी से अरे क्या बोल रहा है पेट्रोल इंजन का बात कर रहा है तो पेट्रोल इंजन में यहां पर आप नोटिस करते हैं ये दे दिया है कॉम्प्रेशन रेशियो कितना नौ no. और स्पेसिफिक हीट है ना रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब गामा बराबर सीपी बाइस सीबी इसका वैल्यू दे दिया है 1.5 चलो दे दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं और हम ऑटो साइकिल का इफिशियंसी का फॉर्मूला 1-1 वन बटे आर गामा 1 यही क्वेश्चन चार नंबर में भी पूछ सकता है चार नंबर में भी पूछ सकता है फोर मार्क्स में भी पूछ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ यहीं पर सर नेट एंड हो गया है कब तक क्लास चलेगा पाँच मिनट पाँच मिनट आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए देख लो बच्चा तो कितना आ रहा है यहां पर कैलकुलेटर का यूज कीजिए ना वन माइनस वन बटे आर 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 का वैल्यू कितना दिया हुआ है no. नौ और यहां पर कितना हो गया वन पॉइंट फाइव और माइनस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू यही क्वेश्चन चार पांच बार आपके अलग अलग एग्जाम में आया इसरो में आया हुआ है एस एस सी में आया अलग अलग एग्जाम में भी आया हुआ है सेम डेटा का क्वेश्चन तो कितना हो जाएगा बच्चा बता दोगे हमको तो ये वन डिवाइडेड बाई कितना हो गया नाइन और इसका पावर कितना हो गया पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव और यहाँ से हम माइनस करते रहे हैं वन तो ये आ गया सिक्सटी सिक्स आ रहा है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट आ रहा है आंसर है ना तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बहुत ही बढ़िया यस वेरी गुड सुमंत कुमार एकदम सही बताया बहादुर बहुत बढ़िया है देखो अच्छा लड़का है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऑटो डीजल और कार्नोट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है मैकेनिकल तीनों इम्पोर्टेंट है तीनों इम्पोर्टेंट है आपका कारनोट से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका ऑटो से चार नंबर पूछेगा आपका डीजल से छह नंबर पूछेगा तीनों पूछेगा गारंटी है तीनों पढ़ो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्किंग मीडियम फॉर एयर स्टैंडर्ड साइकिल द वर्किंग मीडियम फॉर एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल अरे 2022 का पूछा हुआ बच्चा द वर्किंग मीडियम फॉर एयर स्टैंडर्ड साइकिल पेट्रोल डीजल कारनोट कोई भी लीजिए तो एयर को आप ले रहे हैं एयर को ले रहे हैं माध्यम फ्यूल का फ्लूड का तो द वर्किंग मीडियम जो वर्किंग मीडियम है वो कौन है हवा है हवा को जब आप सिलेंडर के अंदर डाले होंगे तो प्रेशर चेंज करेगा वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है। पहले ज्यादा था कम हो सकता है पर स्पेसिफिक हीट तो हवा का फिक्स है ना गामा का जो वैल्यू है वह सी गामा का जो वैल्यू है वो 1.4 है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अरे ये तो कांस्टेंट होगा ना तो सी इज द करेक्ट आंसर स्पेसिफिक हीट इज द करेक्ट आंसर

पर चेंज क्या नहीं करेगा स्पेसिफिक हीट जो सी जो आपका सीपी का वैल्यू रहेगा सीपी का वैल्यू एंड सीवी का जो वैल्यू रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा शशि पासवान क्या बोल रहा है सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं कुछ ऐसा तो आया नहीं जो देखे चलो ठीक है एयर स्टैंडर्ड साइकिल यूज डैश द वर्किंग मीडियम ये 2022 का क्वेश्चन आया है आप ही लोग का है प्रीवियस ईयर का

इफिशिय तो का फॉर्मूला रट जाइएगा डीजल का वन बटे आर गामा माइनस वन ये तो इतना दूर ओटो है इतना दूर ओटो है और यहां रो का पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय रो माइनस वन और गामा यही तो पढ़े हैं अब सोचो कि अगर ये मेरा सोचो कि अगर ये मेरा वन हो जाए ये मेरा वन हो जाए तो ये ऑटो हो जाएगा यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच कर रहा है पहुंच रहा है किसके बराबर ऑटो साइकिल का कब पहुंचेगा तो सर यहां वन है अगर ये भी वन हो जाए तो वन माइनस वन ये पूरा टर्म क्या हो गया जीरो और नहीं तो ये जीरो हो गया तो ये सर इसके साथ गुना ये जीरो हो जाएगा तो जीरो ऑप्शन नहीं कट ऑफ रेशियो यस ये वाला तो ये, ये ये आपका अगर जीरो ले लेंगे इसको अगर यू वन ले लेंगे अगर वन ले लेंगे ले तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ये वाला नहीं होगा ये ऑप्शन यूनिटी नहीं होगा कट ऑफ रेशियो रो को क्या कहते हैं कट ऑफ रेशियो कट ऑफ रेशियो कट ऑफ रेशियो ठीक तो रो का वैल्यू यूनिटी नहीं होगा अच्छा सर अगर इसको जीरो ले लिए तो ये जीरो ये खत्म माइनस वन इधर और माइनस वन इधर हाँ सर ये सही है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कट ऑफ रेशियो इज जीरो कट ऑफ रेशियो इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 2023 का पूछा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ एसआई इंजन अरे एस आई इंजन का वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होगा याद रखना है इफिशियंसी कौन सा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पेट्रोल का जिसको हम लोग एस SI आई कहते हैं क्या कहते हैं एस SI, आई कम होता है कम होता है ठीक है डीजल का क्या होता है ज्यादा होता है डीजल का ज्यादा होता है ज्यादा होता है याद रखना है अच्छा थर्मल भी याद रखना है थर्मल भी ज्यादा होता है थर्मल इफिशेंसी भी ज्यादा होता है अगर पूछ दिया कि ऐसा इंजन में और डीजल इंजन में थर्मल इफिशियंसी किसका ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है कॉम्प्रेशन रेशियो ज्यादा होता, है, कम होता, है, कम होता है, तो देन डीजल का ज्यादा होता है पेट्रोल का कम होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डीजल का ज्यादा होता है पेट्रोल का कम होता है थर्मल इफिशियंसी डीजल का ज्यादा होता है पेट्रोल का कम होता है ठीक है 37. बस यहीं तक ऑब्जेक्टिव था यूनिट नंबर टू का जितना objective था सब खोज खाज के डाल दिए हैं बहादुर इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सर टेस्ट पूछेगा पूछ भी सकता है वो तो रिसेंटली, आ, क्लासेस में क्लासेस में तो सारा चीज यूनिट नंबर फोर तो और तगड़ा पढ़ाए हैं आप लोग को है ना कोई बात नहीं फिर हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक एक ब्रेक हम लोग फिर से वापस मिलते हैं व्हाट्सअप पर सब लोग कनेक्टेड रहेंगे तुरंत थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एक घंटा के बाद आप लोग का जो है क्लास लगवाते हैं नंबर का वाला उसमें एक है और है। अगर कॉम्प्रेसर आर एस सी दोनों पढ़ा दिए तो बढ़िया तो हमको थोड़ा दो ही यूनिट का प्रैक्टिस कराना होगा नहीं अगर वो आर पढ़ा देते तो फिर हम आपको करा देंगे तो हम लोग एक दो घंटा के बाद वापस मिलते बीच में भी गौरव सर आ जाएंगे ठीक है सर फोर स्ट्रोक इंजन में कितना डिग्री ऑफ एंगल बनाते हैं अरे बस दस डिग्री पंद्रह डिग्री पहले बना दो एक बना देंगे टाइम भल्प आपको सिखा देंगे अभी थोड़ी देर में आते हैं दिखा देंगे सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो अरे व्हाट्सएप ग्रुप तो हम लोग का अपने बच्चे के लिए है ना अगर कोई दूसरा बच्चा होंगे तो आप आधा घंटा एक घंटा के बाद देखते रहिएगा जय मैकेल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना चैनल को अपने आएगा तो पता चल जाएगा सर गौरव सर का क्लास कितने बजे से लेंगे आधा घंटा घंटा के अंदर वो भी लेंगे क्योंकि वो हम हम उनको बोल दिए थे कि एक साथ एक साथ पांचों चैप्टर दिन में नहीं करा सकते। तो हम जान बुझ के थोड़ा काम उनको दे दिए थे चलिए जल्दी से आप लोग खाना पीना एकदम फटाफट खा लीजिए रिविजन करते अरे यहीं पर पढ़ते पढ़ते सब रटवा देंगे और जिसका तगड़ा है रिविजन कंप्लीट है वो छोड़ सकता है या जिसको और बचा हुआ पार्ट है वो अपना कर लीजिए जिसको जरूरत है वही आप क्लासेस में रहिए हाँ ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर देख लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ा रहे हैं उससे सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा ठीक है पांडेव भी आ गया वेरी गुड पांडेव हाँ तो बस आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा सर आप टोटल यूनिट रिवीजन करवा दीजिए देख लेते हैं देखो लगातार हम क्लास ले रहे हैं आठ आठ घंटा नौ नौ घंटा लगातार ले रहे हैं तो मेरा भी हालत अब एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं

एक घंटा के बाद आपका गौरव सर का क्लास चार बजे हम डलवा देते हैं चार से पांच साढ़े पांच वो ले लेंगे सात बजे से फिर हम मिलेंगे सात बजे से फिर लंबा क्लास लेंगे नौ बजे साढ़े नौ बजे तक खाना उना आप लोग खा लीजिए फिर बचेगा खाना उना खाने के बाद दस बजे रात से फिर लेंगे चलो थैंक यू सर डाटा खत्म अरे डाटा रिचार्ज करो तो तुम इतना कंजूस आदमी है है ना अभी तुम पढ़ाई से अगर बीसों तीस नंबर एक्स्ट्रा ले आते हो तो बहुत फायदा है हाँ पीडीएफ अभी तुरंत ग्रुप में भेज देते हैं चलो थैंक यू थैंक यू